एक खिलाड़ी के रूप में मैं चाहूंगा कि हर भारतीय स्वस्थ और चुस्त रहे। तंबाकू स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को नुकसान पहुंचाता है। सभी तंबाकू पदार्थ खतरनाक और घातक है। अगर आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो तंबाकू से दूर रहें। मैं रहता हूं, आपको भी रहना चाहिए। आइए तंबाकू के सामने दीवार बनकर खड़े हों। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्री गाय मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को आईएमडीबी ने 7.1 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया है और इसे 4.6 आउट ऑफ 5 वुडू ने रेटिंग दिया है और इसे 87% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, फ्री गाय ये 2021 की अमेरिकन एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए शॉन लेवी, स्क्रीन प्ले दिए मिट्टी लीबरमैन, जैक पेन और इस मूवी में स्टोरी दी है मैट लेबरमैन, प्रोड्यूस किए इस मूवी को रैन रेनलॉट्स, शॉन लेवी, सारा स्केचर, कर्ज बैलनेटी, एडम कॉलब्रेनर और इस मूवी के स्टारिंग है रैन रेनलॉट्स, जोडी कॉमर, लिल रेल हॉवर, उत्कर्ष अम्बुदकर, जोई केरी, टैकी वाटीटी। इस मूवी को सिनेमेटोग्राफी के जॉर्ज रिचमोंड और इस मूवी को एडिट किए डियान ज़िमरमैन और इस मूवी में म्यूजिक दिए क्रिस्टोफी बेक। इस मूवी को प्रोडक्शन कंपनी बर्लिनिटी प्रोडक्शंस, 21 लैब्स इंटरटेनमेंट, मैक्सिमम इफर्ट्स, लाइट इंटरटेनमेंट ग्रुप, TSG इंटरटेनमेंट और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए 20th सेंचुरी स्टूडियोज और ये मूवी 10th अगस्त 2021 को लोकार्नो में रिलीज हुई और 13th अगस्त 2021 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज हुई और इस मूवी का रनिंग टाइम रहा 115 मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली भी मूवी है जिसका बजट 100 से 125 मिलियन डॉलर रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 331.5 मिलियन डॉलर रहा जो कि काबिले तारीफ है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें इस मूवी में रैन रेनलॉट्स एस गाय के रोल में नजर आए ब्लू शर्ट गाय के रोल में और जोडी कॉमर एज अ मिली के रोल में और जोई कैरवी एज अ कीज के रोल में और लिल रेल हॉवर एज अ बॉडी के रोल में और उत्कर्ष अम्बुदकर एज अ माउसर के रोल में और टाइका वाटीटी एज अ एंटवैन के रोल में और चैनिंग टॉटूम एज अ रिवेंजमिन बटन्स के रोल में और मैटी कार्डोपोली एज अ केथ के रोल में। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स, गाय फ्री सीट में एक गैर खिलाड़ी चरित्र है जो सुनामी स्टूडियो द्वारा विकसित एक व्यापक मल्टीप्लेयर ऑनलाइन रोल प्लेइंग वीडियो गेम है। फ्री सिटी के खिलाड़ी NPC से उनके द्वारा पहने जाने वाले धूप के चश्मे से अलग है और अपना समय बैंकों को लूटने एक दूसरे से लड़ने और तबाही मचाने में बिताते हैं। इस बात से अनजान कि वे जिस दुनिया में रहते हैं वह एक वीडियो गेम है। गाय और अन्य NPC ज़्यादातर खिलाड़ियों द्वारा अपने स्क्रिप्टेड जीवन को जीने के दौरान होने वाली अराजकता से बेखबर हैं। वास्तविक दुनिया में गेम डेवलपर्स मिली रस्क और वाल्टर कीज मैक ने पहले अपने NPC के लिए एक उपन्यास कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक का उपयोग करके लाइव
इटसेल्फ नामक एक अवधारण गेम बनाया था। अब बेरोजगार मिली अपना समय फ्री सिटीज खेलने में बिताती है, और ताकि इस बात के पुख्ती सबूत मिल सके कि सुनामी के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ अंतवान हो चेलिक ने उससे गेम के अधिकार खरीदने के बाद लाइव इटसेल्फ का सोर्स कोड चुरा लिया। कीज सहानुभूतिपूर्ण है, लेकिन अपने गैर प्रकटीकरण समझौते के कारण मदद करने से इनकार कर देती है। गाय अपने सबसे अच्छे दोस्त सुरक्षा गार्ड बॉडी के साथ एक बैंक टेलर के रूप में काम करता है। मोल्टोवे गर्ल के मिली के अवतार के बाद उनकी पसंदीदा गीत फैंटेसी गाकर उनका ध्यान आकर्षित होता है। अब वह अपनी प्रोग्रामिंग से विचलित होना शुरू कर देता है। बॉडी को गलती से एक खोपड़ी नकाबपोश खिलाड़ी को गोली मारकर बैंक को लूटने और अपने धूप के चश्मे के साथ छोड़ने से ही झटका लगता है। अब खेल के खिलाड़ियों के दृष्टिकोण तक पहुंचने में सक्षम गाय ने क्षेत्रों का दौरा करती है, और तब मिली से रेवेंजामी बटनस के स्टैश हाउस में मिलती है, जिसमें उसके स्रोत कोड का सबूत होता है। यह सोचकर कि गाय एक नौसिखिया खिलाड़ी है, वो उसे स्तर ऊपर करने की सलाह देती है। उनका पहला ब्रेक इन प्रेस विफल होने के बाद गाय तेजी से खेल के माध्यम से आगे बढ़ता है, प्रोफकारी रूप से मिशन पूरा करता है, अन्य खिलाड़ियों से अलग खड़ा होता है, और ब्लू शर्ट गाय के रूप में जाना जाने वाला एक विश्वापी सनसनी बन जाता है। कीज और उनके सहकर्मी मौसर गाय को एक एनपीसी के रूप में प्रसन्न होकर मानते हुए उसे खेल से प्रतिबंधित करने का सफल प्रयास करते हैं। आखिरकार कीज को पता चलता है कि गाय वास्तव में एक एनपीसी है। लाइफ इज इटसेल्फ के विकास के दौरान कीज मिली को बाहर करने के लिए कहने में बहुत शर्माती थी, और इसके बजाय खेल में आई रूटीन में अपने संवाद के बारे में जो कुछ भी वो जानता था उसे एनकोड किया, जिसके अंतः फ्री सिटी में शामिल किया गया। यह बताता है कि क्यों गाय ने मोल्टोवो गर्ल के प्रति विशिष्ट रूप से आकर्षित महसूस किया। अन्य एनपीसी जिनके साथ गाय इंटरेक्ट करता है वे भी आत्म जागरूकता विकसित करना शुरू कर देते हैं। किस द्वारा सूचित किया गया मिली गाय को अपनी स्थिति की सच्चाई बताता है, लेकिन वह निराश हो जाता है और संपर्क तोड़ देता है जब तक कि वह बॉडी से बात नहीं करता। गाय को पता चलता है कि उनकी वास्तविकता में कुछ और है, क्योंकि बॉडी रेवेंजामी बटनस के गाय को विशिष्ट फुटेज प्राप्त करने में मदद करता है। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको फ्री गाय मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है। अगर आपके पास डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन हो तो आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अभी तक हम हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियो में बने रहें। और फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हे फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्री गाय मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को आईएमडीबी ने 7.1 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया है, और इसे 4.6 आउट ऑफ 5 वुडू ने रेटिंग दिया है, और इसे 87% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, फ्री गाय ये 2021 की अमेरिकन एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए शॉन लेवी, स्क्रीन प्ले दी है मिटी लीबरमैन, जैक पेन, और इस मूवी में स्टोरी दी है मैट लेबरमैन, प्रोड्यूस की इस मूवी को रैन रेन लॉर्ड्स, शॉन लेवी, सारा स्केचर, गर्ज बैलनेटी, एडम कॉल ब्रेनर, और इस मूवी के स्टारिंग है रैन रेन लॉर्ड्स, जोडी कॉमर, लिल रेल हॉवर, उत्कर्ष अम्बुदकर, जोई केरी, टैकी वाटीटी। इस मूवी को सिनेमेटोग्राफी के जॉर्ज रिचमोंड, और इस मूवी को एडिट के डियान ज़िमरमैन, और इस मूवी में म्यूजिक दिए क्रिस्टोफी बेक। इस मूवी को प्रोडक्शन कंपनी बर्लिनिटी प्रोडक्शंस, 21 लैब्स इंटरटेनमेंट, मैक्सिमम इफर्ट्स, लाइट इंटरटेनमेंट ग्रुप,
TSG एंटरटेनमेंट, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया 20th सेंचुरी स्टूडियोज, और ये मूवी 10th अगस्त 2021 को लोकार्नो में रिलीज हुई और 13th अगस्त 2021 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज हुई। और इस मूवी का रनिंग टाइम रहा 115 मिनट्स, और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली भी मूवी है जिसका बजट 100 से 125 मिलियन डॉलर रहा, और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 331.5 मिलियन डॉलर रहा, जो कि काबिले तारीफ है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम इस मूवी में रेन रेनॉल्ड्स एज गाय के रोल में नजर आए, ब्लू शर्ट गाय के रोल में, और जोडी कॉमर एज अ मिली के रोल में, और जोई कैरवी एज अ कीज के रोल में, और लिल रेल हॉवर एज अ बॉडी के रोल में, और उत्कर्ष अम्बुदकर एज अ माउसर के रोल में, और टाइका वाटीटी एज अ एंटवैन के रोल में, और चैनिंग टॉटूम एज अ रिवेंजमिन बटन्स के रोल में, और मैटी कार्डोपोली एज अ केथ के रोल में। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम जानते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स गाय फ्री सीट में एक गैर खिलाड़ी चरित्र है जो सुनामी स्टूडियो द्वारा विकसित एक व्यापक मल्टीप्लेयर ऑनलाइन रोल प्लेइंग वीडियो गेम है। फ्री सिटी के खिलाड़ी NPC से उनके द्वारा पहने जाने वाले धूप के चश्मे से अलग है, और अपना समय बैंकों को लूटने एक दूसरे से लड़ने और तबाही मचाने में बिताते हैं। इस बात से अनजान कि वे जिस दुनिया में रहते हैं वह एक वीडियो गेम है। गाय और अन्य NPC ज़्यादातर खिलाड़ियों द्वारा अपने स्क्रिप्टेड जीवन को जीने के दौरान होने वाली अराजकता से बेखबर हैं। वास्तविक दुनिया में गेम डेवलपर्स मिली रस्क और वाल्टर कीज मैक ने पहले अपने NPC के लिए एक उपन्यास कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक का उपयोग करके लाइव एस्टिलिस इटसेल्फ नामक एक अवधारण गेम बनाया था। अब बेरोजगार मिली अपना समय फ्री सिटीज खेलने में बिताती है, और ताकि इस बात के पुख्ती सबूत मिल सके कि सुनामी के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO अंतवान हो चेलिक ने उससे गेम के अधिकार खरीदने के बाद लाइव इट्सेल्फ का सोर्स कोड चुरा लिया। कीज सहानुभूतिपूर्ण है, लेकिन अपने गैर प्रकटीकरण समझौते के कारण मदद करने से इनकार कर देती है। गाय अपने सबसे अच्छे दोस्त सुरक्षा गार्ड बॉडी के साथ एक बैंक टेलर के रूप में काम करता है। मोल्टोवे गर्ल के मिली के अवतार के बाद उनकी पसंदीदा गीत फैंटेसी गाकर उनका ध्यान आकर्षित होता है। अब वह अपनी प्रोग्रामिंग से विचलित होना शुरू कर देता है। बॉडी को गलती से एक खोपड़ी नकाबपोष खिलाड़ी को गोली मारकर बैंक को लूटने और अपने धूप के चश्मे के साथ छोड़ने से ही झटका लगता है। अब खेल के खिलाड़ियों के दृष्टिकोण तक पहुंचने में सक्षम गाय ने क्षेत्रों का दौरा करती है, और तब मिली से रेवेंजामी बटनस के स्टेस हाउस में मिलती है जिसमें उसके स्रोत कोड का सबूत होता है। यह सोचकर कि गाय एक नौसिखिया खिलाड़ी है, वो उसे स्तर ऊपर करने की सलाह देती है। उनका पहला ब्रेक इन प्रेस विफल होने के बाद गाय तेजी से खेल के माध्यम से आगे बढ़ता है, प्रोफकारी रूप से मिशन पूरा करता है, अन्य खिलाड़ियों से अलग खड़ा होता है, और ब्लू शर्ट गाय के रूप में जाना जाने वाला एक विश्वापी सनसनी बन जाता है। कीज और उनके सहकर्मी मौसर गाय को एक NPC के रूप में प्रसन्न होकर मानते हुए उसे खेल से प्रतिबंधित करने का सफल प्रयास करते हैं। आखिरकार कीज को पता चलता है कि गाय वास्तव में एक NPC है। लाइफ इज इटसेल्फ के विकास के दौरान कीज मिली को बाहर करने के लिए कहने में बहुत शर्माती थी, और इसके बजाय खेल में आई रूटीन में अपने संवाद के बारे में जो कुछ भी वो जानता था उसे एनकोड किया, जिसके अतः फ्री सिटी में शामिल किया गया। यह बताता है कि क्यों गाय ने मोल्टोवो गर्ल के प्रति विशिष्ट रूप से आकर्षित महसूस किया। अन्य NPC जिनके साथ गाय इंटरेक्ट करता है वे भी
आत्म जागरूकता विकसित करना शुरू कर देते हैं। किस द्वारा सूचित किया गया मिली गाय को अपनी स्थिति की सच्चाई बताता है, लेकिन वह निराश हो जाता है और संपर्क तोड़ देता है जब तक कि वह बॉडी से बात नहीं करता। गाय को पता चलता है कि उनकी वास्तविकता में कुछ और है, क्योंकि बॉडी रेवेंजामी बटनस के गाय को विशिष्ट फुटेज प्राप्त करने में मदद करता है। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको फ्री गाय मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है। अगर आपके पास डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन हो तो आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियो में बने रहें। और फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्री गाय मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को आईएमडीबी ने 7.1 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया है, और इसे 4.6 आउट ऑफ 5 वुडू ने रेटिंग दिया है, और इसे 87% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, फ्री गाय ये 2021 की अमेरिकन एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए शॉन लेवी, स्क्रीन प्ले दिए मिट्टी लीबरमैन, जैक पेन, और इस मूवी में स्टोरी दी है मैट लेबरमैन, प्रोड्यूस की इस मूवी को रेन लॉर्ड्स, सॉन लेवी, सारा स्केचर, गर्ज बैलनिटी, एडम कॉल ब्रेनर, और इस मूवी के स्टारिंग है रेन लॉर्ड्स, जोडी कॉमर, लिल रेल हॉवर, उत्कर्ष अम्बुदकर, जोई केरी, टैकी वाटीटी। इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी के जॉर्ज रिचमॉन्ड, और इस मूवी को एडिट के डियान ज़िमरमैन, और इस मूवी में म्यूजिक दिए क्रिस्टोफी बेक। इस मूवी को प्रोडक्शन कंपनी बर्लिनिटी प्रोडक्शंस, 21 लैब्स इंटरटेनमेंट, मैक्सिमम इफर्ट्स, लाइट इंटरटेनमेंट ग्रुप, TSG इंटरटेनमेंट, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए 20th सेंचुरी स्टूडियोज, और ये मूवी 10th अगस्त 2021 को लॉकार्नो में रिलीज हुई और 13th अगस्त 2021 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज हुई। और इस मूवी का रनिंग टाइम रहा 115 मिनट्स, और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली भी मूवी है, जिसका बजट 100 से 125 मिलियन डॉलर रहा, और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 331.5 मिलियन डॉलर रहा, जो कि काबिले तारीफ है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें इस मूवी में रेन रेनॉल्ड्स एज गाय के रोल में नजर आए, ब्लू शर्ट गाय के रोल में, और जोडी कॉमर एज अ मिली के रोल में, और जोई कैरवी एज अ कीज के रोल में, और लिल रेल हॉवर एज अ बॉडी के रोल में, और उत्कर्ष अम्बुदकर एज अ माउसर के रोल में, और टाइका वाटीटी एज अ एंटवेन के रोल में, और चैनिंग टॉटूम एज अ रिवेंजमिन बटन्स के रोल में, और मैटी कार्डोपोली एज अ केथ के रोल में। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स, गाय फ्री सीट में एक गैर खिलाड़ी चरित्र है, जो सुनामी स्टूडियो द्वारा विकसित एक व्यापक मल्टीप्लेयर ऑनलाइन रोल प्लेइंग वीडियो गेम है। फ्री सिटी के खिलाड़ी NPC से उनके द्वारा पहने जाने वाले धूप के चश्मे से अलग है, और अपना समय बैंकों को लूटने, एक दूसरे से लड़ने और तबाही मचाने में बिताते हैं, इस बात से अनजान कि वे जिस दुनिया में रहते हैं वह एक वीडियो गेम है। गाय और अन्य NPC ज़्यादातर खिलाड़ियों द्वारा अपने स्क्रिप्टेड जीवन को जीने के दौरान होने वाली अराजकता से बेखबर हैं। वास्तविक दुनिया में गेम डेवलपर्स मिली रस्क और वाल्टर कीज मैक ने पहले अपने NPC के लिए एक उपन्यास कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक का उपयोग करके लाइव एस्टिलिस इटसेल्फ नामक एक अवधारण गेम बनाया था। अब बेरोजगार मिली अपना समय फ्री सिटीज खेलने में बिताती है, और ताकि इस बात के पुख्ती सबूत मिल सके कि सुनामी के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO अंतवान हो चेलिक ने उससे गेम के अधिकार खरीदने के बाद लाइव इट्सेल्फ का सोर्स कोड चुरा लिया। कीज सहानुभूतिपूर्ण है, लेकिन अपने गैर प्रकटीकरण समझौते के कारण मदद करने से इनकार कर देती है।
गाय अपने सबसे अच्छे दोस्त, सुरक्षा गार्ड, बॉडी के साथ एक बैंक टेलर के रूप में काम करता है। मोल्टोवे गर्ल के मिली के अवतार के बाद उनकी पसंदीदा गीत फैंटेसी गाकर उनका ध्यान आकर्षित होता है। अब वह अपनी प्रोग्रामिंग से विचलित होना शुरू कर देता है। बॉडी को गलती से एक खोपड़ी नकापोश खिलाड़ी को गोली मारकर बैंक को लूटने और अपने धूप के चश्मे के साथ छोड़ने से ही झटका लगता है। अब खेल के खिलाड़ियों के दृष्टिकोण तक पहुंचने में सक्षम गाय ने क्षेत्रों का दौरा करती है और तब मिली से रेवेंजामी बटनस के स्टैश हाउस में मिलती है, जिसमें उसके स्रोत कोड का सबूत होता है। यह सोचकर कि गाय एक नौसिखिया खिलाड़ी है, वो उसे स्तर ऊपर करने की सलाह देती है। उनका पहला ब्रेक इन प्रेस विफल होने के बाद गाय तेजी से खेल के माध्यम से आगे बढ़ता है, प्रोफकारी रूप से मिशन पूरा करता है, अन्य खिलाड़ियों से अलग खड़ा होता है और ब्लू शर्ट गाय के रूप में जाना जाने वाला एक विश्वापी सनसनी बन जाता है। की और उनके सहकर्मी मौसर गाय को एक एनपीसी के रूप में प्रसन्न होकर मानते हुए उसे खेल से प्रतिबंधित करने का सफल प्रयास करते हैं। आखिरकार किज को पता चलता है कि गाय वास्तव में एक एनपीसी है। लाइफ इज इटसेल्फ के विकास के दौरान किज मिली को बाहर करने के लिए कहने में बहुत शर्माती थी और इसके बजाय खेल में आई रूटीन में अपने संवाद के बारे में जो कुछ भी वो जानता था उसे एनकोड किया, जिसके अतः फ्री सिटी में शामिल किया गया। यह बताता है कि क्यों गाय ने मोल्टोवो गर्ल के प्रति विशिष्ट रूप से आकर्षित महसूस किया। अन एनपीसी जिनके साथ गाय इंटरेक्ट करता है वे भी आत्म जागरूकता विकसित करना शुरू कर देते हैं। किस द्वारा सूचित किया गया मिली गाय को अपनी स्थिति की सच्चाई बताता है, लेकिन वह निराश हो जाता है और संपर्क तोड़ देता है जब तक कि वह बॉडी से बात नहीं करता। गाय को पता चलता है कि उनकी वास्तविकता में कुछ और है, क्योंकि बॉडी रेवेंजामी बटनस के गाय को विशिष्ट फुटेज प्राप्त करने में मदद करता है। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको फ्री गाय मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है। अगर आपके पास डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन हो तो आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियो में बने रहें। और फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्री गाय मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को आईएमडीबी ने 7.1 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया है और इसे 4.6 आउट ऑफ 5 वुडू ने रेटिंग दिया है और इसे 87% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, फ्री गाय ये 2021 की अमेरिकन एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए शॉन लेवी, स्क्रीन प्ले दिए मिट्टी लीबरमैन, जैक पेन और इस मूवी में स्टोरी दी है मैट लेबरमैन, प्रोड्यूस किए इस मूवी को रैन रेनलॉर्ड्स, शॉन लेवी, सारा स्केचर, कर्ज बैलनिटी, एडम कॉलब्रेनर और इस मूवी के स्टारिंग है रैन रेनलॉर्ड्स, जोडी कॉमर, लिल रेल हॉवर, उत्कर्ष अम्बुदकर, जोई केरी, टैकी वाटीटी। इस मूवी को सिनेमेटोग्राफी के जॉर्ज रिचमोंड और इस मूवी को एडिट के डियान ज़िमरमैन और इस मूवी में म्यूजिक दिए क्रिस्टोफी बेक। इस मूवी को प्रोडक्शन कंपनी बर्लिनिटी प्रोडक्शंस, 21 लैब्स इंटरटेनमेंट, मैक्सिमम इफर्ट्स, लाइट इंटरटेनमेंट ग्रुप, TSG इंटरटेनमेंट और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए 20th सेंचुरी स्टूडियोज और ये मूवी 10th अगस्त 2021 को लोकार्नो में रिलीज हुई और 13th अगस्त 2021 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज हुई और इस मूवी का रनिंग टाइम रहा 115 मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली भी मूवी है, जिसका बजट 100 से 125 मिलियन डॉलर रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 331.5 मिलियन डॉलर रहा, जो कि काबिले तारीफ है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें इस मूवी में रैन रेनलॉर्ड्स एस गाय के रोल में नजर आए,
ब्लू शर्ट गाय के रोल में, और जोडी कॉमर एज अ मिली के रोल में, और जोई कैरवी एज अ कीज के रोल में, और लिल रेल हॉवर एज अ बर्डी के रोल में, और उत्कर्ष अम्बुदकर एज अ माउसर के रोल में, और टाइका वाटीटी एज अ एंटवेन के रोल में, और चैनिंग टॉटम एज अ रिवेंजमिन बटन्स के रोल में, और मैटी कार्डोपोली एज अ केत के रोल में। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम जानते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स गाय फ्री सीट में एक गैर खिलाड़ी चरित्र है जो सुनामी स्टूडियो द्वारा विकसित एक व्यापक मल्टीप्लेयर ऑनलाइन रोल प्लेइंग वीडियो गेम है। फ्री सिटी के खिलाड़ी एनपीसी से उनके द्वारा पहने जाने वाले धूप के चश्मे से अलग है और अपना समय बैंकों को लूटने एक दूसरे से लड़ने और तबाही मचाने में बिताते हैं। इस बात से अनजान कि वे जिस दुनिया में रहते हैं वह एक वीडियो गेम है। गाय और अन्य एनपीसी ज़्यादातर खिलाड़ियों द्वारा अपने स्क्रिप्टेड जीवन को जीने के दौरान होने वाली अराजकता से बेखबर हैं। वास्तविक दुनिया में गेम डेवलपर्स मिली रस्क और वाल्टर कीज मैक ने पहले अपने एनपीसी के लिए एक उपन्यास कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक का उपयोग करके लाइव एस्टिल्स इटसेल्फ नामक एक अवधारण गेम बनाया था। अब बेरोजगार मिली अपना समय फ्री सिटीज खेलने में बिताती है और ताकि इस बात के पुख्ती सबूत मिल सके कि सुनामी के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ अंतवान हो चेलिक ने उससे गेम के अधिकार खरीदने के बाद लाइव इट्सेल्फ का सोर्स कोड चुरा लिया। कीज सहानुभूतिपूर्ण है लेकिन अपने गैर प्रकटीकरण समझौते के कारण मदद करने से इनकार कर देती है। गाय अपने सबसे अच्छे दोस्त सुरक्षा गार्ड बॉडी के साथ एक बैंक टेलर के रूप में काम करता है। मोल्टोवे गर्ल के मिली के अवतार के बाद उनकी पसंदीदा गीत फैंटेसी गाकर उनका ध्यान आकर्षित होता है। अब वह अपनी प्रोग्रामिंग से विचलित होना शुरू कर देता है। बॉडी को गलती से एक खोपड़ी नकाबपोश खिलाड़ी को गोली मारकर बैंक को लूटने और अपने धूप के चश्मे के साथ छोड़ने से ही झटका लगता है। अब खेल के खिलाड़ियों के दृष्टिकोण तक पहुंचने में सक्षम गाय ने क्षेत्रों का दौरा करती है और अतः मिली से रेवेंजामी बटनस के स्टैश हाउस में मिलती है जिसमें उसके स्रोत कोड का सबूत होता है। यह सोचकर कि गाय एक नौसिखिया खिलाड़ी है वो उसे स्तर ऊपर करने की सलाह देती है। उनका पहला ब्रेक इन प्रेस विफल होने के बाद गाय तेजी से खेल के माध्यम से आगे बढ़ता है, प्रोफकारी रूप से मिशन पूरा करता है, अन्य खिलाड़ियों से अलग खड़ा होता है और ब्लू शर्ट गाय के रूप में जाना जाने वाला एक विश्वापी सनसनी बन जाता है। कीज और उनके सहकर्मी मौसर गाय को एक एनपीसी के रूप में प्रसन्न होकर मानते हुए उसे खेल से प्रतिबंधित करने का सफल प्रयास करते हैं। आखिरकार कीज को पता चलता है कि गाय वास्तव में एक एनपीसी है। लाइफ इज इटसेल्फ के विकास के दौरान कीज मिली को बाहर करने के लिए कहने में बहुत शर्माती थी और इसके बजाय खेल में आई रूटीन में अपने संवाद के बारे में जो कुछ भी वो जानता था उसे एनकोड किया, जिसके अंतः फ्री सिटी में शामिल किया गया। यह बताता है कि क्यों गाय ने मोल्टोवो गर्ल के प्रति विशिष्ट रूप से आकर्षित महसूस किया। अन्य एनपीसी जिनके साथ गाय इंटरेक्ट करता है वे भी आत्म जागरूकता विकसित करना शुरू कर देते हैं। किस द्वारा सूचित किया गया मिली गाय को अपनी स्थिति की सच्चाई बताता है लेकिन वह निराश हो जाता है और संपर्क तोड़ देता है जब तक कि वह बॉडी से बात नहीं करता। गाय को पता चलता है कि उनकी वास्तविकता में कुछ और है क्योंकि बॉडी रेवेंजामी बटनस के गाय को विशिष्ट फुटेज प्राप्त करने में मदद करता है। तो फ्रेंड्स आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको
फ्री गाई मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है। अगर आपके पास डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन हो तो आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अभी तक हम हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर ले, जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियो में बने रहें। और फ्रेंड्स आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हे फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्री गाई मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स इस मूवी को आईएमडीबी ने 7.1 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया है, और इसे 4.6 आउट ऑफ 5 वुडू ने रेटिंग दिया है, और इसे 87% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स फ्री गाई ये 2021 की अमेरिकन एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए शॉन लेवी, स्क्रीन प्ले दी है मिटी लीबरमैन, जैक पेन, और इस मूवी में स्टोरी दी है मैट लेबरमैन, प्रोड्यूस की इस मूवी को रैन रेन लॉर्ड्स, शॉन लेवी, सारा स्केचर, गर्ज बैलनेटी, एडम कॉल ब्रेनर, और इस मूवी के स्टारिंग है रैन रेन लॉर्ड्स, जोडी कॉमर, लिल रेल हॉवर, उत्कर्ष अम्बुदकर, जोई केरी, टैकी वाटीटी। इस मूवी को सिनेमेटोग्राफी के जॉर्ज रिचमॉन्ड, और इस मूवी को एडिट के डियान ज़िमरमैन, और इस मूवी में म्यूजिक दिए क्रिस्टोफी बेक। इस मूवी को प्रोडक्शन कंपनी बर्लिनिटी प्रोडक्शंस, 21 लैब्स इंटरटेनमेंट, मैक्सिमम इफर्ट्स, लाइट इंटरटेनमेंट ग्रुप, TSG इंटरटेनमेंट, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए 20th सेंचुरी स्टूडियोज, और ये मूवी 10th अगस्त 2021 को लॉ कैर्नो में रिलीज हुई और 13th अगस्त 2021 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज हुई। और इस मूवी का रनिंग टाइम रहा 115 मिनट्स, और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली भी मूवी है, जिसका बजट 100 से 125 मिलियन डॉलर रहा, और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 331.5 मिलियन डॉलर रहा, जो कि काबिले तारीफ है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमें इस मूवी में रैन रेनॉल्ड्स एज गाय के रोल में नजर आए, ब्लू शर्ट गाय के रोल में, और जोडी कॉमर एज अ मिली के रोल में, और जोई कैरवी एज अ कीज के रोल में, और लिल रेल हॉवर एज अ बॉडी के रोल में, और उत्कर्ष अम्बुदकर एज अ माउजर के रोल में, और टाइका वाटीटी एज अ एंटवैन के रोल में, और चैनिंग टॉटूम एज अ रिवेंजमिन बटन्स के रोल में, और मैटी कार्डोपोली एज अ केथ के रोल में। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम जानते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स गाय फ्री सीट में एक गैर खिलाड़ी चरित्र है, जो सुनामी स्टूडियो द्वारा विकसित एक व्यापक मल्टीप्लेयर ऑनलाइन रोल प्लेइंग वीडियो गेम है। फ्री सिटी के खिलाड़ी NPC से उनके द्वारा पहने जाने वाले धूप के चश्मे से अलग है, और अपना समय बैंकों को लूटने, एक दूसरे से लड़ने और तबाही मचाने में बिताते हैं। इस बात से अनजान कि वे जिस दुनिया में रहते हैं वह एक वीडियो गेम है। गाय और अन्य NPC ज़्यादातर खिलाड़ियों द्वारा अपने स्क्रिप्टेड जीवन को जीने के दौरान होने वाली अराजकता से बेखबर हैं। वास्तविक दुनिया में गेम डेवलपर्स मिली रस्क और वाल्टर कीज मैक ने पहले अपने NPC के लिए एक उपन्यास कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक का उपयोग करके लाइव स्टील्स इटसेल्फ नामक एक अवधारण गेम बनाया था। अब बेरोजगार मिली अपना समय फ्री सिटीज खेलने में बिताती है, और ताकि इस बात के पुख्ती सबूत मिल सके कि सुनामी के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO अंतवान होचेलिक ने उससे गेम के अधिकार खरीदने के बाद लाइव इट्सेल्फ का सोर्स कोड चुरा लिया। कीज सहानुभूतिपूर्ण है, लेकिन अपने गैर प्रकटीकरण समझौते के कारण मदद करने से इनकार कर देती है। गाय अपने सबसे अच्छे दोस्त सुरक्षा गार्ड बॉडी के साथ एक बैंक टेलर के रूप में काम करता है। मोल्टोवे गर्ल के मिली के अवतार के बाद उनकी पसंदीदा गीत फैंटेसी गाकर उनका ध्यान आकर्षित होता है। अब वह अपनी प्रोग्रामिंग से विचलित होना शुरू कर देता है। बॉडी को गलती से एक खोपड़ी नकाबपोश खिलाड़ी को गोली मारकर बैंक को लूटने और अपने धूप के चश्मे के साथ छोड़ने से
का लगता है, अब खेल के खिलाड़ियों के दृष्टिकोण तक पहुंचने में सक्षम। गाय ने क्षेत्रों का दौरा करती है और तब मिल्ली से रेवेंजामी बटनस के स्टेस हाउस में मिलती है, जिसमें उसके स्रोत कोड का सबूत होता है। यह सोचकर कि गाय एक नौसिखिया खिलाड़ी है, वो उसे स्तर ऊपर करने की सलाह देती है। उनका पहला ब्रेक इन प्रेस विफल होने के बाद गाय तेजी से खेल के माध्यम से आगे बढ़ता है, प्रोफकारी रूप से मिशन पूरा करता है, अन्य खिलाड़ियों से अलग खड़ा होता है और ब्लू शर्ट गाय के रूप में जाना जाने वाला एक विश्वापी सनसनी बन जाता है। कीज और उनके सहकर्मी मौसर गाय को एक एनपीसी के रूप में प्रसन्न होकर मानते हुए उसे खेल से प्रतिबंधित करने का सफल प्रयास करते हैं। आखिरकार कीज को पता चलता है कि गाय वास्तव में एक एनपीसी है। लाइफ इज इटसेल्फ के विकास के दौरान कीज मिली को बाहर करने के लिए कहने में बहुत शर्माती थी और इसके बजाय खेल में आई रूटीन में अपने संवाद के बारे में जो कुछ भी वो जानता था उसे एनकोड किया, जिसके अतः फ्री सिटी में शामिल किया गया। यह बताता है कि क्यों गाय ने मोल्टोवो गर्ल के प्रति विशिष्ट रूप से आकर्षित महसूस किया। अन्य एनपीसी जिनके साथ गाय इंटरेक्ट करता है वे भी आत्म जागरूकता विकसित करना शुरू कर देते हैं। किस द्वारा सूचित किया गया मिली गाय को अपनी स्थिति की सच्चाई बताता है, लेकिन वह निराश हो जाता है और संपर्क तोड़ देता है जब तक कि वह बॉडी से बात नहीं करता। गाय को पता चलता है कि उनकी वास्तविकता में कुछ और है, क्योंकि बॉडी रेवेंजामी बटनस के गाय को विशिष्ट फुटेज प्राप्त करने में मदद करता है। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको फ्री गाय मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है। अगर आपके पास डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन हो तो आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियो में बने रहें। और फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्री गाय मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को आईएमडीबी ने 7.1 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया है और इसे 4.6 आउट ऑफ 5 वुडू ने रेटिंग दिया है और इसे 87% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, फ्री गाय ये 2021 की अमेरिकन एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए शॉन लेवी, स्क्रीन प्ले दिए मिट्टी लीबरमैन, जैक पेन, और इस मूवी में स्टोरी दी है मैट लेबरमैन, प्रोड्यूस किए इस मूवी को रैन रेनलॉर्ड्स, शॉन लेवी, सारा स्केचर, गर्ज बैलनिटी, एडम कॉल ब्रेनर, और इस मूवी के स्टारिंग है रैन रेनलॉर्ड्स, जोडी कॉमर, लिल रेल हॉवर, उत्कर्ष अम्बुदकर, जोई केरी, टैकी वाटीटी। इस मूवी को सिनेमेटोग्राफी के जॉर्ज रिचमॉन्ड और इस मूवी को एडिट किए डियान ज़िमरमैन और इस मूवी में म्यूजिक दिए क्रिस्टोफी बेक। इस मूवी को प्रोडक्शन कंपनी है बर्लिनिटी प्रोडक्शंस, 21 लैब्स एंटरटेनमेंट, मैक्सिमम एफर्ट्स, लाइट एंटरटेनमेंट ग्रुप, TSG एंटरटेनमेंट, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए 20th सेंचुरी स्टूडियोज। और ये मूवी 10 अगस्त 2021 को लोकार्नो में रिलीज हुई और 13 अगस्त 2021 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज हुई। और इस मूवी का रनिंग टाइम रहा 115 मिनट्स, और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली भी मूवी है, जिसका बजट 100 से 125 मिलियन डॉलर रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 331.5 मिलियन डॉलर रहा, जो कि काबिले तारीफ है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें इस मूवी में रैन रेनलॉर्ड्स एज गाय के रोल में नजर आए, ब्लू शर्ट गाय के रोल में, और जोडी कॉमर एज अ मिली के रोल में, और जोई कैरवी एज अ कीज के रोल में, और लिल रेल हॉवर एज अ बॉडी के रोल में, और उत्कर्ष अम्बुदकर एज अ माउसर के रोल में, और टाइका वाटीटी एज अ एंटवैन के रोल में, और चैनिंग टॉटूम एज अ रिवेंजमिन बटन्स के रोल में, और मैटी कार्डोपोली एज अ केथ के रोल में। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स, गाय फ्री
सीट में एक गैर खिलाड़ी चरित्र है जो सुनामी स्टूडियो द्वारा विकसित एक व्यापक मल्टीप्लेयर ऑनलाइन रोल प्लेइंग वीडियो गेम है। फ्री सिटी के खिलाड़ी एनपीसी से उनके द्वारा पहने जाने वाले धूप के चश्मे से अलग है और अपना समय बैंकों को लूटने एक दूसरे से लड़ने और तबाही मचाने में बिताते हैं। इस बात से अनजान कि वे जिस दुनिया में रहते हैं वह एक वीडियो गेम है। गाय और अन्य एनपीसी ज़्यादातर खिलाड़ियों द्वारा अपने स्क्रिप्टेड जीवन को जीने के दौरान होने वाली अराजकता से बेखबर हैं। वास्तविक दुनिया में गेम डेवलपर्स मिली रस्क और वाल्टर कीज मैक ने पहले अपने एनपीसी के लिए एक उपन्यास कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक का उपयोग करके लाइव एसटीएलएस इटसेल्फ नामक एक अवधारण गेम बनाया था। अब बेरोजगार मिली अपना समय फ्री सिटीज खेलने में बिताती है और ताकि इस बात के पुख्ती सबूत मिल सके कि सुनामी के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ अंतवान हो चेलिक ने उससे गेम के अधिकार खरीदने के बाद लाइव इट्सेल्फ का सोर्स कोड चुरा लिया। कीज सहानुभूतिपूर्ण है लेकिन अपने गैर प्रकटीकरण समझौते के कारण मदद करने से इनकार कर देती है। गाय अपने सबसे अच्छे दोस्त सुरक्षा गार्ड बॉडी के साथ एक बैंक टेलर के रूप में काम करता है। मोल्टोवे गर्ल के मिली के अवतार के बाद उनकी पसंदीदा गीत फैंटेसी गाकर उनका ध्यान आकर्षित होता है। अब वह अपनी प्रोग्रामिंग से विचलित होना शुरू कर देता है। बॉडी को गलती से एक खोपड़ी नकाबपोश खिलाड़ी को गोली मारकर बैंक को लूटने और अपने धूप के चश्मे के साथ छोड़ने से ही झटका लगता है। अब खेल के खिलाड़ियों के दृष्टिकोण तक पहुंचने में सक्षम गाय ने क्षेत्रों का दौरा करती है और अतः मिली से रेवेंजामी बटनस के स्टैश हाउस में मिलती है जिसमें उसके स्रोत कोड का सबूत होता है। यह सोचकर कि गाय एक नौसिखिया खिलाड़ी है वो उसे स्तर ऊपर करने की सलाह देती है। उनका पहला ब्रेक इन प्रेस विफल होने के बाद गाय तेजी से खेल के माध्यम से आगे बढ़ता है, प्रोफकारी रूप से मिशन पूरा करता है, अन्य खिलाड़ियों से अलग खड़ा होता है और ब्लू शर्ट गाय के रूप में जाना जाने वाला एक विश्वव्यापी सनसनी बन जाता है। कीज और उनके सहकर्मी मौसर गाय को एक एनपीसी के रूप में प्रसन्न होकर मानते हुए उसे खेल से प्रतिबंधित करने का सफल प्रयास करते हैं। आखिरकार कीज को पता चलता है कि गाय वास्तव में एक एनपीसी है। लाइफ इज इटसेल्फ के विकास के दौरान कीज मिली को बाहर करने के लिए कहने में बहुत शर्माती थी और इसके बजाय खेल में आई रूटीन में अपने संवाद के बारे में जो कुछ भी वो जानता था उसे एनकोड किया, जिसके अतः फ्री सिटी में शामिल किया गया। यह बताता है कि क्यों गाय ने मोल्टोवो गर्ल के प्रति विशिष्ट रूप से आकर्षित महसूस किया। अन एनपीसी जिनके साथ गाय इंटरेक्ट करता है वे भी आत्म जागरूकता विकसित करना शुरू कर देते हैं। किस द्वारा सूचित किया गया मिली गाय को अपनी स्थिति की सच्चाई बताता है लेकिन वह निराश हो जाता है और संपर्क तोड़ देता है जब तक कि वह बॉडी से बात नहीं करता। गाय को पता चलता है कि उनकी वास्तविकता में कुछ और है क्योंकि बॉडी रेवेंजामी बटनस के गाय को विशिष्ट फुटेज प्राप्त करने में मदद करता है। तो फ्रेंड्स आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको फ्री गाय मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है। अगर आपके पास डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन हो तो आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर लें जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियो में बने रहें। और फ्रेंड्स आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हे फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्री गाय मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स इस मूवी को आईएमडीबी ने 7.1 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया है और इसे 4.6
आउट ऑफ 5 वुडू ने रेटिंग दी है और इसे 87% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, फ्री गाय ये 2021 की अमेरिकन एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए शॉन लेवी, स्क्रीन प्ले दी है मिटी लीबरमैन, जैक पेन और इस मूवी में स्टोरी दी है मैट लेबरमैन, प्रोड्यूस किए इस मूवी को रैन रेनलॉर्ड्स, शॉन लेवी, सारा स्केचर, कर्ज बैलनिटी, एडम कॉल ब्रेनर और इस मूवी के स्टारिंग है रियन रेनलॉर्ड्स, जोडी कॉमर, लिल रेल हॉवर, उत्कर्ष अम्बुदकर, जोई केरी, टैकी वैटीटी। इस मूवी का सिनेमेटोग्राफी के जॉर्ज रिचमोंड और इस मूवी को एडिट किए डियान ज़िमरमैन और इस मूवी में म्यूजिक दिए क्रिस्टोफी बेक। इस मूवी का प्रोडक्शन कंपनी बर्लिनिटी प्रोडक्शंस, 21 लैब्स एंटरटेनमेंट, मैक्सिमम एफर्ट्स, लाइट एंटरटेनमेंट ग्रुप, TSG एंटरटेनमेंट और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए 20th सेंचुरी स्टूडियोज और ये मूवी 10th अगस्त 2021 को लोकार्नो में रिलीज हुई और 13th अगस्त 2021 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज हुई और इस मूवी का रनिंग टाइम रहा 115 मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली भी मूवी है जिसका बजट 100 से $125 मिलियन रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $331.5 मिलियन रहा जो कि काबिले तारीफ है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें इस मूवी में रैन रेनलॉर्ड्स एज गाय के रोल में नजर आए, ब्लू शर्ट गाय के रोल में, और जोडी कॉमर एज अ मिली के रोल में, और जोई कैरवी एज अ कीज के रोल में, और लिल रेल हॉवर एज अ बॉडी के रोल में, और उत्कर्ष अम्बुदकर एज अ माउसर के रोल में, और टाइका वैटीटी एज अ एंटवैन के रोल में, और चैनिंग टॉटम एज अ रिवेंजमिन बटन्स के रोल में, और मैटी कार्डोपोली एज अ केथ के रोल में। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स, गाय फ्री सीट में एक गैर खिलाड़ी चरित्र है जो सुनामी स्टूडियो द्वारा विकसित एक व्यापक मल्टीप्लेयर ऑनलाइन रोल प्लेइंग वीडियो गेम है। फ्री सिटी के खिलाड़ी NPC से उनके द्वारा पहने जाने वाले धूप के चश्मे से अलग है और अपना समय बैंकों को लूटने, एक दूसरे से लड़ने और तबाही मचाने में बिताते हैं। इस बात से अनजान कि वे जिस दुनिया में रहते हैं वह एक वीडियो गेम है। गाय और अन्य NPC ज़्यादातर खिलाड़ियों द्वारा अपने स्क्रिप्टेड जीवन को जीने के दौरान होने वाली अराजकता से बेखबर हैं। वास्तविक दुनिया में गेम डेवलपर्स मिली रस्क और वाल्टर कीज मैक ने पहले अपने NPC के लिए एक उपन्यास कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक का उपयोग करके लाइव एस्टिलिस इटसेल्फ नामक एक अवधारण गेम बनाया था। अब बेरोजगार मिली अपना समय फ्री सिटीज खेलने में बिताती है और ताकि इस बात के पुख्ती सबूत मिल सके कि सुनामी के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO अंतवान हो चेलिक ने उससे गेम के अधिकार खरीदने के बाद लाइव इट्सेल्फ का सोर्स कोड चुरा लिया। कीज सहानुभूतिपूर्ण है लेकिन अपने गैर प्रकटीकरण समझौते के कारण मदद करने से इनकार कर देती है। गाय अपने सबसे अच्छे दोस्त सुरक्षा गार्ड बॉडी के साथ एक बैंक टेलर के रूप में काम करता है। मोल्टोवे गर्ल के मिली के अवतार के बाद उनकी पसंदीदा गीत फैंटेसी गाकर उनका ध्यान आकर्षित होता है। अब वह अपनी प्रोग्रामिंग से विचलित होना शुरू कर देता है। बॉडी को गलती से एक खोपड़ी नकाबपोश खिलाड़ी को गोली मारकर बैंक को लूटने और अपने धूप के चश्मे के साथ छोड़ने से ही झटका लगता है। अब खेल के खिलाड़ियों के दृष्टिकोण तक पहुंचने में सक्षम गाय ने क्षेत्रों का दौरा करती है और अतः मिली से रेवेंजामी बटनस के स्टैश हाउस में मिलती है जिसमें उसके स्रोत कोड का सबूत होता है। यह सोचकर कि गाय एक नौसिखिया खिलाड़ी है, वो उसे स्तर ऊपर करने की सलाह देती है। उनका पहला ब्रेक इन प्रेस विफल होने के बाद गाय तेजी से खेल के माध्यम से आगे बढ़ता है, प्रोफकारी रूप से मिशन पूरा करता है, अन्य खिलाड़ियों से अलग खड़ा होता है और ब्लू शर्ट गाय के रूप में जाना जाने वाला एक विश्वापी सनसनी बन जाता है।
की और उनके सहकर्मी मौसर गायक को एक एनपीसी के रूप में प्रसन्न होकर मानते हुए उसे खेल से प्रतिबंधित करने का सफल प्रयास करते हैं। आखिरकार कीज को पता चलता है कि गाय वास्तव में एक एनपीसी है। लाइफ इज इटसेल्फ के विकास के दौरान कीज मिली को बाहर करने के लिए कहने में बहुत शर्माती थी और इसके बजाय खेल में आई रूटीन में अपने संवाद के बारे में जो कुछ भी वो जानता था उसे एनकोड किया, जिसके अंतः फ्री सिटी में शामिल किया गया। यह बताता है कि क्यों गाय ने मोल्टोवो गर्ल के प्रति विशिष्ट रूप से आकर्षित महसूस किया। अन एनपीसी जिनके साथ गाय इंटरेक्ट करता है वे भी आत्म जागरूकता विकसित करना शुरू कर देते हैं। किस द्वारा सूचित किया गया मिली गाय को अपनी स्थिति की सच्चाई बताता है, लेकिन वह निराश हो जाता है और संपर्क तोड़ देता है जब तक कि वह बॉडी से बात नहीं करता। गायक को पता चलता है कि उनकी वास्तविकता में कुछ और है, क्योंकि बॉडी रेवेंजामी बटनस के गायक को विशिष्ट फुटेज प्राप्त करने में मदद करता है। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको फ्री गाय मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है। अगर आपके पास डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन हो तो आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अभी तक हम हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियो में बने रहें। और फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हे फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्री गाय मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को आईएमडीबी ने 7.1 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया है और इसे 4.6 आउट ऑफ 5 वुडू ने रेटिंग दिया है और इसे 87% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, फ्री गाय ये 2021 की अमेरिकन एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए शॉन लेवी, स्क्रीन प्ले दी है मिटी लीबरमैन, जैक पेन, और इस मूवी में स्टोरी दी है मैट लेबरमैन, प्रोड्यूस की इस मूवी को रैन लॉर्ड्स, शॉन लेवी, सारा स्केचर, गर्ज बैलनेटी, एडम कॉल ब्रेनर, और इस मूवी के स्टारिंग है रैन लॉर्ड्स, जोडी कॉमर, लिल रेल हॉवर, उत्कर्ष अम्बुदकर, जोई केरी, टैकी वाटीटी। इस मूवी को सिनेमेटोग्राफी के जॉर्ज रिचमॉन्ड और इस मूवी को एडिट के डियान ज़िमरमैन और इस मूवी में म्यूजिक दिए क्रिस्टोफी बेक। इस मूवी को प्रोडक्शन कंपनी बर्लिनिटी प्रोडक्शंस, 21 लैब्स इंटरटेनमेंट, मैक्सिमम इफर्ट्स, लाइट इंटरटेनमेंट ग्रुप, TSG इंटरटेनमेंट, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए 20th सेंचुरी स्टूडियोज। और ये मूवी 10th अगस्त 2021 को लॉ कैर्नो में रिलीज हुई और 13th अगस्त 2021 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज हुई। और इस मूवी का रनिंग टाइम रहा 115 मिनट्स, और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली भी मूवी है, जिसका बजट 100 से 125 मिलियन डॉलर रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 331.5 मिलियन डॉलर रहा, जो कि काबिले तारीफ है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इस मूवी में रेन रेनोल्ड्स एज गाय के रोल में नजर आए, ब्लू शर्ट गाय के रोल में, और जोडी कॉमर एज अ मिली के रोल में, और जोई कैरवी एज अ कीज के रोल में, और लिल रेल हॉवर एज अ बॉडी के रोल में, और उत्कर्ष अम्बुदकर एज अ माउसर के रोल में, और टाइका वाटीटी एज अ एंटवैन के रोल में, और चैनिंग टॉटम एज अ रिवेंजमिन बटन्स के रोल में, और मैटी कार्डोपोली एज अ केथ के रोल में। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स, गाय फ्री सीट में एक गैर खिलाड़ी चरित्र है, जो सुनामी स्टूडियो द्वारा विकसित एक व्यापक मल्टीप्लेयर ऑनलाइन रोल प्लेइंग वीडियो गेम है। फ्री सिटी के खिलाड़ी एनपीसी से उनके द्वारा पहने जाने वाले धूप के चश्मे से अलग है और अपना समय बैंकों को लूटने, एक दूसरे से लड़ने और तबाही मचाने में बिताते हैं। इस बात से अनजान कि वे जिस दुनिया में रहते हैं वह एक वीडियो गेम है। गाय और अन्य एनपीसी ज़्यादातर खिलाड़ियों द्वारा अपने स्क्रिप्टेड जीवन को जीने के दौरान होने वाली अराजकता से बेखबर हैं। वास्तविक दुनिया में गेम डेवलपर्स मिली रस्क और वाल्टर कीज
मैक ने पहले अपने एनपीसी के लिए एक उपन्यास कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक का उपयोग करके लाइव स्टील्स इटसेल्फ नामक एक अवधारणा गेम बनाया था। अब बेरोजगार मिली अपना समय फ्री सिटीज खेलने में बिताती है और ताकि इस बात के पुख्ति सबूत मिल सके कि सुनामी के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ अंतवान हो चेलिक ने उससे गेम के अधिकार खरीदने के बाद लाइव इटसेल्फ का सोर्स कोड चुरा लिया। कीज सहानुभूतिपूर्ण है लेकिन अपने गैर प्रकटीकरण समझौते के कारण मदद करने से इनकार कर देती है। गाय अपने सबसे अच्छे दोस्त सुरक्षा गार्ड बॉडी के साथ एक बैंक टेलर के रूप में काम करता है। मोल्टोवे गर्ल के मिली के अवतार के बाद उनकी पसंदीदा गीत फैंटेसी गाकर उनका ध्यान आकर्षित होता है। अब वह अपनी प्रोग्रामिंग से विचलित होना शुरू कर देता है। बॉडी को गलती से एक खोपड़ी नकाबपोश खिलाड़ी को गोली मारकर बैंक को लूटने और अपने धूप के चश्मे के साथ छोड़ने से ही झटका लगता है। अब खेल के खिलाड़ियों के दृष्टिकोण तक पहुंचने में सक्षम गाय ने क्षेत्रों का दौरा करती है और तब मिली से रेवेंजामी बटनस के स्टैस हाउस में मिलती है जिसमें उसके स्रोत कोड का सबूत होता है। यह सोचकर कि गाय एक नौसिखिया खिलाड़ी है वो उसे स्तर ऊपर करने की सलाह देती है। उनका पहला ब्रेक इन प्रेस विफल होने के बाद गाय तेजी से खेल के माध्यम से आगे बढ़ता है, प्रोफकारी रूप से मिशन पूरा करता है, अन्य खिलाड़ियों से अलग खड़ा होता है और ब्लू शर्ट गाय के रूप में जाना जाने वाला एक विश्वापी सनसनी बन जाता है। कीज और उनके सहकर्मी मौसर गाय को एक एनपीसी के रूप में प्रसन्न होकर मानते हुए उसे खेल से प्रतिबंधित करने का सफल प्रयास करते हैं। आखिरकार कीज को पता चलता है कि गाय वास्तव में एक एनपीसी है। लाइफ इज इटसेल्फ के विकास के दौरान कीज मिली को बाहर करने के लिए कहने में बहुत शर्माती थी और इसके बजाय खेल में आई रूटीन में अपने संवाद के बारे में जो कुछ भी वो जानता था उसे एनकोड किया जिसके अतः फ्री सिटी में शामिल किया गया। यह बताता है कि क्यों गाय ने मोल्टोवो गर्ल के प्रति विशिष्ट रूप से आकर्षित महसूस किया। अन्य एनपीसी जिनके साथ गाय इंटरेक्ट करता है वे भी आत्म जागरूकता विकसित करना शुरू कर देते हैं। किस द्वारा सूचित किया गया मिली गाय को अपनी स्थिति की सच्चाई बताता है लेकिन वह निराश हो जाता है और संपर्क तोड़ देता है जब तक कि वह बॉडी से बात नहीं करता। गाय को पता चलता है कि उनकी वास्तविकता में कुछ और है क्योंकि बॉडी रेवेंजामी बटनस के गाय को विशिष्ट फुटेज प्राप्त करने में मदद करता है। तो फ्रेंड्स आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको फ्री गाय मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है। अगर आपके पास डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन हो तो आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर लें जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियो में बने रहें। और फ्रेंड्स आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हे फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्री गाय मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स इस मूवी को आईएमडीबी ने 7.1 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया है और इसे 4.6 आउट ऑफ 5 वुडू ने रेटिंग दिया है और इसे 87% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स फ्री गाय ये 2021 की अमेरिकन एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए शॉन लेवी, स्क्रीन प्ले दिए मिटी लीबरमैन, जैक पेन और इस मूवी में स्टोरी दी है मैट लेबरमैन, प्रोड्यूस किए इस मूवी को रैन रेनलॉर्ड्स, शॉन लेवी, सारा स्केचर, गर्ज बैलनिटी, एडम कॉलब्रेनर और इस मूवी के स्टारिंग है रैन रेनलॉर्ड्स, जोडी कॉमर, लिल रेल हॉवर, उत्कर्ष अम्बुदकर, जोई केरी, टैकी वाटिटी,
इस मूवी को सिनेमेटोग्राफी के जॉर्ज रिचमॉन्ड और इस मूवी को एडिट के डियान जी मेयरमैन और इस मूवी में म्यूजिक दिए क्रिस्टोफी बेक। इस मूवी का प्रोडक्शन कंपनी बर्लिनिटी प्रोडक्शंस, 21 लैब्स इंटरटेनमेंट, मैक्सिमम इफर्ट्स, लाइट इंटरटेनमेंट ग्रुप, TSG इंटरटेनमेंट और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया 20th सेंचुरी स्टूडियोज। और ये मूवी 10th अगस्त 2021 को लोकार्नो में रिलीज हुई और 13th अगस्त 2021 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज हुई। और इस मूवी का रनिंग टाइम रहा 115 मिनट्स। और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली भी मूवी है जिसका बजट 100 से $125 मिलियन रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $331.5 मिलियन रहा जो कि काबिले तारीफ है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम इस मूवी में रेन रेनोल्ड्स एज गाय के रोल में नजर आए, ब्लू शर्ट गाय के रोल में, और जोडी कॉमर एज अ मिली के रोल में, और जोई कैरवी एज अ कीज के रोल में, और लील रेल हॉवर एज अ बॉडी के रोल में, और उत्कर्ष अम्बुदकर एज अ माउसर के रोल में, और टाइका वाटीटी एज अ एंटवेन के रोल में, और चैनिंग टॉटूम एज अ रिवेंजमिन बटन्स के रोल में, और मैटी कार्डोपोली एज अ केथ के रोल में। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम जानते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स गाय फ्री सीट में एक गैर खिलाड़ी चरित्र है जो सुनामी स्टूडियो द्वारा विकसित एक व्यापक मल्टीप्लेयर ऑनलाइन रोल प्लेइंग वीडियो गेम है। फ्री सिटी के खिलाड़ी NPC से उनके द्वारा पहने जाने वाले धूप के चश्मे से अलग है और अपना समय बैंकों को लूटने एक दूसरे से लड़ने और तबाही मचाने में बिताते हैं। इस बात से अनजान कि वे जिस दुनिया में रहते हैं वह एक वीडियो गेम है। गाय और अन्य NPC ज़्यादातर खिलाड़ियों द्वारा अपने स्क्रिप्टेड जीवन को जीने के दौरान होने वाली अराजकता से बेखबर हैं। वास्तविक दुनिया में गेम डेवलपर्स मिली रस्क और वाल्टर कीज मैक ने पहले अपने NPC के लिए एक उपन्यास कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक का उपयोग करके लाइव एस्टिलिस इटसेल्फ नामक एक अवधारण गेम बनाया था। अब बेरोजगार मिली अपना समय फ्री सिटीज खेलने में बिताती है और ताकि इस बात के पुख्ती सबूत मिल सके कि सुनामी के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO अंतवान हो चेलिक ने उससे गेम के अधिकार खरीदने के बाद लाइव इट्सेल्फ का सोर्स कोड चुरा लिया। कीज सहानुभूतिपूर्ण है लेकिन अपने गैर प्रकटीकरण समझौते के कारण मदद करने से इनकार कर देती है। गाय अपने सबसे अच्छे दोस्त सुरक्षा गार्ड बॉडी के साथ एक बैंक टेलर के रूप में काम करता है। मोल्टोवे गर्ल के मिली के अवतार के बाद उनकी पसंदीदा गीत फैंटेसी गाकर उनका ध्यान आकर्षित होता है। अब वह अपनी प्रोग्रामिंग से विचलित होना शुरू कर देता है। बॉडी को गलती से एक खोपड़ी नकापोश खिलाड़ी को गोली मारकर बैंक को लूटने और अपने धूप के चश्मे के साथ छोड़ने से ही झटका लगता है। अब खेल के खिलाड़ियों के दृष्टिकोण तक पहुंचने में सक्षम गाय ने क्षेत्रों का दौरा करती है और अतः मिली से रेवेंजामी बटनस के स्टैस हाउस में मिलती है जिसमें उसके स्रोत कोड का सबूत होता है। यह सोचकर कि गाय एक नौसिखिया खिलाड़ी है वो उसे स्तर ऊपर करने की सलाह देती है। उनका पहला ब्रेक इन प्रेस विफल होने के बाद गाय तेजी से खेल के माध्यम से आगे बढ़ता है, प्रोफकारी रूप से मिशन पूरा करता है, अन्य खिलाड़ियों से अलग खड़ा होता है और ब्लू शर्ट गाय के रूप में जाना जाने वाला एक विश्वापी सनसनी बन जाता है। कीज और उनके सहकर्मी मौसर गाय को एक NPC के रूप में प्रसन्न होकर मानते हुए उसे खेल से प्रतिबंधित करने का सफल प्रयास करते हैं। आखिरकार कीज को पता चलता है कि गाय वास्तव में एक NPC है। लाइफ इज इटसेल्फ के विकास के दौरान कीज मिली को बाहर करने के लिए कहने में बहुत शर्माती थी और इसके बजाय खेल में आई रूटीन में अपने संवाद के बारे में जो कुछ भी वो जानता था उसे एनकोड किया जिसके अतः फ्री सिटी में शामिल किया गया। यह बताता है कि क्यों गाय ने
मोल्टोवो गर्ल के प्रति विशिष्ट रूप से आकर्षित महसूस किया। अन एनपीसी जिनके साथ गाय इंटरेक्ट करता है वे भी आत्म जागरूकता विकसित करना शुरू कर देते हैं। किस द्वारा सूचित किया गया मिली गाय को अपनी स्थिति की सच्चाई बताता है, लेकिन वह निराश हो जाता है और संपर्क तोड़ देता है जब तक कि वह बॉडी से बात नहीं करता। गाय को पता चलता है कि उनकी वास्तविकता में कुछ और है, क्योंकि बॉडी रेवेंजामी बटनस के गाय को विशिष्ट फुटेज प्राप्त करने में मदद करता है। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको फ्री गाय मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है। अगर आपके पास डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन हो तो आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियो में बने रहें। और फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्री गाय मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को आईएमडीबी ने 7.1 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया है, और इसे 4.6 आउट ऑफ 5 वुडू ने रेटिंग दिया है, और इसे 87% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, फ्री गाय ये 2021 की अमेरिकन एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए शॉन लेवी, स्क्रीन प्ले दिए मिट्टी लीबरमैन, जैक पेन, और इस मूवी में स्टोरी दी है मैट लेबरमैन, प्रोड्यूस किए इस मूवी को रैन रेन लॉर्ड्स, शॉन लेवी, सारा स्केचर, कर्ज बैलनिटी, एडम कॉलब्रेनर, और इस मूवी के स्टारिंग है रैन रेन लॉर्ड्स, जोडी कॉमर, लिल रेल हॉवर, उत्कर्ष अम्बुदकर, जोई केरी, टैकी वैटीटी। इस मूवी को सिनेमेटोग्राफी के जॉर्ज रिचमोंड, और इस मूवी को एडिट किए डियान ज़िमरमैन, और इस मूवी में म्यूजिक दिए क्रिस्टोफी बेक। इस मूवी को प्रोडक्शन कंपनी बर्लिनिटी प्रोडक्शंस, 21 लैब्स इंटरटेनमेंट, मैक्सिमम इफर्ट्स, लाइट इंटरटेनमेंट ग्रुप, TSG इंटरटेनमेंट, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए 20th सेंचुरी स्टूडियोज, और ये मूवी 10th अगस्त 2021 को लोकार्नो में रिलीज हुई और 13th अगस्त 2021 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज हुई। और इस मूवी का रनिंग टाइम रहा 115 मिनट्स, और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली भी मूवी है, जिसका बजट 100 से 125 मिलियन डॉलर रहा, और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 331.5 मिलियन डॉलर रहा, जो कि काबिले तारीफ है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें इस मूवी में रैन रेनॉल्ड्स एज गाय के रोल में नजर आए, ब्लू शर्ट गाय के रोल में, और जोडी कॉमर एज अ मिली के रोल में, और जोई कैरवी एज अ कीज के रोल में, और लिल रेल हॉवर एज अ बॉडी के रोल में, और उत्कर्ष अम्बुदकर एज अ माउजर के रोल में, और टाइका वैटीटी एज अ एंटवैन के रोल में, और चैनिंग टॉटूम एज अ रिवेंजमिन बटन्स के रोल में, और मैटी कार्डोपोली एज अ केथ के रोल में। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स, गाय फ्री सीट में एक गैर खिलाड़ी चरित्र है, जो सुनामी स्टूडियो द्वारा विकसित एक व्यापक मल्टीप्लेयर ऑनलाइन रोल प्लेइंग वीडियो गेम है। फ्री सिटी के खिलाड़ी एनपीसी से उनके द्वारा पहने जाने वाले धूप के चश्मे से अलग है, और अपना समय बैंकों को लूटने, एक दूसरे से लड़ने और तबाही मचाने में बिताते हैं। इस बात से अनजान कि वे जिस दुनिया में रहते हैं वह एक वीडियो गेम है। गाय और अन्य एनपीसी ज़्यादातर खिलाड़ियों द्वारा अपने स्क्रिप्टेड जीवन को जीने के दौरान होने वाली अराजकता से बेखबर हैं। वास्तविक दुनिया में गेम डेवलपर्स मिली रस्क और वाल्टर कीज मैक ने पहले अपने एनपीसी के लिए एक उपन्यास कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक का उपयोग करके लाइव एस्टिलिस इटसेल्फ नामक एक अवधारण गेम बनाया था। अब बेरोजगार मिली अपना समय फ्री सिटीज खेलने में बिताती है, और ताकि इस बात के पुख्ती सबूत मिल सके कि सुनामी के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO अंतवान हो चेलिक ने उससे गेम के अधिकार खरीदने के बाद लाइव इस इट्सेल्फ का सोर्स कोड चुरा लिया।
चीज सहानुभूतिपूर्ण है, लेकिन लेकिन अपने गैर प्रकटीकरण समझौते के कारण मदद करने से इनकार कर देती है। गाय अपने सबसे अच्छे दोस्त सुरक्षा गार्ड बॉडी के साथ एक बैंक टेलर के रूप में काम करता है। मोल्टोवे गर्ल के मिली के अवतार के बाद उनकी पसंदीदा गीत फैंटेसी गाकर उनका ध्यान आकर्षित होता है। अब वह अपनी प्रोग्रामिंग से विचलित होना शुरू कर देता है। बॉडी को गलती से एक खोपड़ी नकाबपोश खिलाड़ी को गोली मारकर बैंक को लूटने और अपने धूप के चश्मे के साथ छोड़ने से ही झटका लगता है। अब खेल के खिलाड़ियों के दृष्टिकोण तक पहुंचने में सक्षम गाय ने क्षेत्रों का दौरा करती है और तब मिली से रेवेंजामी बटनस के स्टैश हाउस में मिलती है, जिसमें उसके स्रोत कोड का सबूत होता है। यह सोचकर कि गाय एक नौसिखिया खिलाड़ी है, वो उसे स्तर ऊपर करने की सलाह देती है। उनका पहला ब्रेक इन प्रेस विफल होने के बाद गाय तेजी से खेल के माध्यम से आगे बढ़ता है, प्रोफकारी रूप से मिशन पूरा करता है, अन्य खिलाड़ियों से अलग खड़ा होता है और ब्लू शर्ट गाय के रूप में जाना जाने वाला एक विश्वापी सनसनी बन जाता है। की और उनके सहकर्मी मौसर गाय को एक एनपीसी के रूप में प्रसन्न होकर मानते हुए उसे खेल से प्रतिबंधित करने का सफल प्रयास करते हैं। आखिरकार कीज को पता चलता है कि गाय वास्तव में एक एनपीसी है। लाइफ इट्सेल्फ के विकास के दौरान कीज मिली को बाहर करने के लिए कहने में बहुत शर्माती थी और इसके बजाय खेल में आई रूटीन में अपने संवाद के बारे में जो कुछ भी वो जानता था उसे एनकोड किया, जिसके अंतः फ्री सिटी में शामिल किया गया। यह बताता है कि क्यों गाय ने मोल्टोवो गर्ल के प्रति विशिष्ट रूप से आकर्षित महसूस किया। अन्य एनपीसी जिनके साथ गाय इंटरेक्ट करता है वे भी आत्म जागरूकता विकसित करना शुरू कर देते हैं। किस द्वारा सूचित किया गया मिली गाय को अपनी स्थिति की सच्चाई बताता है, लेकिन वह निराश हो जाता है और संपर्क तोड़ देता है जब तक कि वह बॉडी से बात नहीं करता। गाय को पता चलता है कि उनकी वास्तविकता में कुछ और है, क्योंकि बॉडी रेवेंजामी बटनस के गाय को विशिष्ट फुटेज प्राप्त करने में मदद करता है। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको फ्री गाय मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है। अगर आपके पास डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन हो तो आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अभी तक हम हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर ले, जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियो में बने रहें। और फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्री गाय मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को आईएमडीबी ने 7.1 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया है और इसे 4.6 आउट ऑफ 5 वुडू ने रेटिंग दिया है और इसे 87% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, फ्री गाय ये 2021 की अमेरिकन एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए शॉन लेवी, स्क्रीन प्ले दी है मिटी लीबरमैन, जैक पेन, और इस मूवी में स्टोरी दी है मैट लेबरमैन, प्रोड्यूस की इस मूवी को रैन रेन लॉर्ड्स, शॉन लेवी, सारा स्केचर, गर्ज बैलनेटी, एडम कॉल ब्रेनर, और इस मूवी के स्टारिंग है रैन रेन लॉर्ड्स, जोडी कॉमर, लिल रेल हॉवर, उत्कर्ष अम्बुदकर, जोई केरी, टैकी वाटीटी। इस मूवी को सिनेमेटोग्राफी के जॉर्ज रिचमॉन्ड और इस मूवी को एडिट के डियान ज़िमरमैन और इस मूवी में म्यूजिक दिए क्रिस्टोफी बेक। इस मूवी को प्रोडक्शन कंपनी बर्लिनिटी प्रोडक्शंस, 21 लैब्स इंटरटेनमेंट, मैक्सिमम इफर्ट्स, लाइट इंटरटेनमेंट ग्रुप, TSG इंटरटेनमेंट, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए 20th सेंचुरी स्टूडियोज। और ये मूवी 10th अगस्त 2021 को लॉ कैर्नो में रिलीज हुई
और 13 अगस्त 2021 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज हुई। और इस मूवी का रनिंग टाइम रहा 115 मिनट्स। और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली भी मूवी है जिसका बजट 100 से 125 मिलियन डॉलर रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 331.5 मिलियन डॉलर रहा जो कि काबिले तारीफ है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम इस मूवी में रेन रेनॉल्ड्स एज गाय के रोल में नजर आए, ब्लू शर्ट गाय के रोल में, और जोडी कॉमर एज अ मिली के रोल में, और जोई कैरवी एज अ कीज के रोल में, और लिल रेल हॉवर एज अ बॉडी के रोल में, और उत्कर्ष अम्बुदकर एज अ माउसर के रोल में, और टाइका वाटीटी एज अ एंटवैन के रोल में, और चैनिंग टॉटूम एज अ रिवेंजमिन बटन्स के रोल में, और मैटी कार्डोपोली एज अ केथ के रोल में। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम जानते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स गाय फ्री सीट में एक गैर खिलाड़ी चरित्र है जो सुनामी स्टूडियो द्वारा विकसित एक व्यापक मल्टीप्लेयर ऑनलाइन रोल प्लेइंग वीडियो गेम है। फ्री सिटी के खिलाड़ी एनपीसी से उनके द्वारा पहने जाने वाले धूप के चश्मे से अलग है और अपना समय बैंकों को लूटने एक दूसरे से लड़ने और तबाही मचाने में बिताते हैं। इस बात से अनजान कि वे जिस दुनिया में रहते हैं वह एक वीडियो गेम है। गाय और अन्य एनपीसी ज़्यादातर खिलाड़ियों द्वारा अपने स्क्रिप्टेड जीवन को जीने के दौरान होने वाली अराजकता से बेखबर हैं। वास्तविक दुनिया में गेम डेवलपर्स मिली रस्क और वाल्टर कीज मैक ने पहले अपने एनपीसी के लिए एक उपन्यास कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक का उपयोग करके लाइव एस्टिल्स इटसेल्फ नामक एक अवधारण गेम बनाया था। अब बेरोजगार मिली अपना समय फ्री सिटीज खेलने में बिताती है और ताकि इस बात के पुख्ती सबूत मिल सके कि सुनामी के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ अंतवान हो चेलिक ने उससे गेम के अधिकार खरीदने के बाद लाइव इट्सेल्फ का सोर्स कोड चुरा लिया। कीज सहानुभूतिपूर्ण है लेकिन अपने गैर प्रकटीकरण समझौते के कारण मदद करने से इनकार कर देती है। गाय अपने सबसे अच्छे दोस्त सुरक्षा गार्ड बॉडी के साथ एक बैंक टेलर के रूप में काम करता है। मोल्टोवे गर्ल के मिली के अवतार के बाद उनकी पसंदीदा गीत फैंटेसी गाकर उनका ध्यान आकर्षित होता है। अब वह अपनी प्रोग्रामिंग से विचलित होना शुरू कर देता है। बॉडी को गलती से एक खोपड़ी नकाबपोष खिलाड़ी को गोली मारकर बैंक को लूटने और अपने धूप के चश्मे के साथ छोड़ने से ही झटका लगता है। अब खेल के खिलाड़ियों के दृष्टिकोण तक पहुंचने में सक्षम गाय ने क्षेत्रों का दौरा करती है और तब मिली से रेवेंजामी बटनस के स्टेस हाउस में मिलती है जिसमें उसके स्रोत कोड का सबूत होता है। यह सोचकर कि गाय एक नौसिखिया खिलाड़ी है वो उसे स्तर ऊपर करने की सलाह देती है। उनका पहला ब्रेक इन प्रेस विफल होने के बाद गाय तेजी से खेल के माध्यम से आगे बढ़ता है, प्रोफकारी रूप से मिशन पूरा करता है, अन्य खिलाड़ियों से अलग खड़ा होता है और ब्लू शर्ट गाय के रूप में जाना जाने वाला एक विश्वापी सनसनी बन जाता है। कीज और उनके सहकर्मी मौसर गाय को एक एनपीसी के रूप में प्रसन्न होकर मानते हुए उसे खेल से प्रतिबंधित करने का सफल प्रयास करते हैं। आखिरकार कीज को पता चलता है कि गाय वास्तव में एक एनपीसी है। लाइफ इज इटसेल्फ के विकास के दौरान कीज मिली को बाहर करने के लिए कहने में बहुत शर्माती थी और इसके बजाय खेल में आई रूटीन में अपने संवाद के बारे में जो कुछ भी वो जानता था उसे एनकोड किया जिसके अतः फ्री सिटी में शामिल किया गया। यह बताता है कि क्यों गाय ने मोल्टोवो गर्ल के प्रति विशिष्ट रूप से आकर्षित महसूस किया। अन्य एनपीसी जिनके साथ गाय इंटरेक्ट करता है वे भी आत्म जागरूकता विकसित करना शुरू कर देते हैं। किस द्वारा सूचित किया गया मिली गाय को अपनी स्थिति की
सच्चाई बताता है, लेकिन वह निराश हो जाता है और संपर्क तोड़ देता है जब तक कि वह बॉडी से बात नहीं करता। गायक को पता चलता है कि उनकी वास्तविकता में कुछ और है, क्योंकि बॉडी रेवेंजामी बटनस के गायक को विशिष्ट फुटेज प्राप्त करने में मदद करता है। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको फ्री गाय मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है। अगर आपके पास डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन हो तो आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियो में बने रहें। और फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्री गाय मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को आईएमडीबी ने 7.1 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया है, और इसे 4.6 आउट ऑफ 5 वुडू ने रेटिंग दिया है, और इसे 87% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, फ्री गाय ये 2021 की अमेरिकन एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए शॉन लेवी, स्क्रीन प्ले दिए मिट्टी लीबरमैन, जैक पेन, और इस मूवी में स्टोरी दी है मैट लेबरमैन, प्रोड्यूस किए इस मूवी को रैन रेनलॉर्ड्स, शॉन लेवी, सारा स्केचर, गर्ज बैलनिटी, एडम कॉल ब्रेनर, और इस मूवी के स्टारिंग है रैन रेनलॉर्ड्स, जोडी कॉमर, लिल रेल हॉवर, उत्कर्ष अम्बुदकर, जोई केरी, टैकी वाटीटी। इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी के जॉर्ज रिचमॉन्ड, और इस मूवी को एडिट किए डियान ज़िमरमैन, और इस मूवी में म्यूजिक दिए क्रिस्टोफी बेक। इस मूवी का प्रोडक्शन कंपनी है बर्लिनिटी प्रोडक्शंस, 21 लैब्स इंटरटेनमेंट, मैक्सिमम इफर्ट्स, लाइट इंटरटेनमेंट ग्रुप, TSG इंटरटेनमेंट, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए 20th सेंचुरी स्टूडियोज, और ये मूवी 10 अगस्त 2021 को लोकार्नो में रिलीज हुई और 13 अगस्त 2021 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज हुई। और इस मूवी का रनिंग टाइम रहा 115 मिनट्स, और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली भी मूवी है, जिसका बजट 100 से 125 मिलियन डॉलर रहा, और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 331.5 मिलियन डॉलर रहा, जो कि काबिले तारीफ है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें इस मूवी में रैन रेनलॉर्ड्स एज गाय के रोल में नजर आए, ब्लू शर्ट गाय के रोल में, और जोडी कॉमर एज अ मिली के रोल में, और जोई कैरवी एज अ कीज के रोल में, और लिल रेल हॉवर एज अ बॉडी के रोल में, और उत्कर्ष अम्बुदकर एज अ माउसर के रोल में, और टाइका वाटीटी एज अ एंटवैन के रोल में, और चैनिंग टॉटूम एज अ रिवेंजमिन बटन्स के रोल में, और मैटी कार्डोपोली एज अ केथ के रोल में। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स, गाय फ्री सीट में एक गैर खिलाड़ी चरित्र है, जो सुनामी स्टूडियो द्वारा विकसित एक व्यापक मल्टीप्लेयर ऑनलाइन रोल प्लेइंग वीडियो गेम है। फ्री सिटी के खिलाड़ी NPC से उनके द्वारा पहने जाने वाले धूप के चश्मे से अलग है, और अपना समय बैंकों को लूटने, एक दूसरे से लड़ने और तबाही मचाने में बिताते हैं, इस बात से अनजान कि वे जिस दुनिया में रहते हैं वह एक वीडियो गेम है। गाय और अन्य NPC ज़्यादातर खिलाड़ियों द्वारा अपने स्क्रिप्टेड जीवन को जीने के दौरान होने वाली अराजकता से बेखबर हैं। वास्तविक दुनिया में गेम डेवलपर्स मिली रस्क और वाल्टर कीज मैक ने पहले अपने NPC के लिए एक उपन्यास कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक का उपयोग करके लाइव स्टील्स इटसेल्फ नामक एक अवधारण गेम बनाया था। अब बेरोजगार मिली अपना समय फ्री सिटीज खेलने में बिताती है, और ताकि इस बात के पुख्ती सबूत मिल सके कि सुनामी के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO अंतवान हो चेलिक ने उससे गेम के अधिकार खरीदने के बाद लाइव इट्सेल्फ का सोर्स कोड चुरा लिया। कीज सहानुभूतिपूर्ण है, लेकिन अपने गैर प्रकटीकरण समझौते के कारण मदद करने से इनकार कर देती है। गाय अपने सबसे अच्छे दोस्त सुरक्षा गार्ड बॉडी के साथ एक बैंक टेलर के रूप में काम करता है।
मोल्टोवे गर्ल के मिली के अवतार के बाद उनकी पसंदीदा गीत फैंटेसी गाकर उनका ध्यान आकर्षित होता है। अब वह अपनी प्रोग्रामिंग से विचलित होना शुरू कर देता है। बडी को गलती से एक खोपड़ी नकापोश खिलाड़ी को गोली मारकर बैंक को लूटने और अपने धूप के चश्मे के साथ छोड़ने से ही झटका लगता है। अब खेल के खिलाड़ियों के दृष्टिकोण तक पहुंचने में सक्षम गाय ने क्षेत्रों का दौरा करती है और तब मिली से रेवेंजामी बटनस के स्टैश हाउस में मिलती है जिसमें उसके स्रोत कोड का सबूत होता है। यह सोचकर कि गाय एक नौसिखिया खिलाड़ी है वो उसे स्तर ऊपर करने की सलाह देती है। उनका पहला ब्रेक इन प्रेस विफल होने के बाद गाय तेजी से खेल के माध्यम से आगे बढ़ता है, प्रोफकारी रूप से मिशन पूरा करता है, अन्य खिलाड़ियों से अलग खड़ा होता है और ब्लू शर्ट गाय के रूप में जाना जाने वाला एक विश्वापी सनसनी बन जाता है। की और उनके सहकर्मी मौसर गाय को एक एनपीसी के रूप में प्रसन्न होकर मानते हुए उसे खेल से प्रतिबंधित करने का सफल प्रयास करते हैं। आखिरकार किज को पता चलता है कि गाय वास्तव में एक एनपीसी है। लाइफ इज इटसेल्फ के विकास के दौरान किज मिली को बाहर करने के लिए कहने में बहुत शर्माती थी और इसके बजाय खेल में आई रूटीन में अपने संवाद के बारे में जो कुछ भी वो जानता था उसे एनकोड किया जिसके अतः फ्री सिटी में शामिल किया गया। यह बताता है कि क्यों गाय ने मोल्टोवो गर्ल के प्रति विशिष्ट रूप से आकर्षित महसूस किया। अन एनपीसी जिनके साथ गाय इंटरेक्ट करता है वे भी आत्म जागरूकता विकसित करना शुरू कर देते हैं। किस द्वारा सूचित किया गया मिली गाय को अपनी स्थिति की सच्चाई बताता है लेकिन वह निराश हो जाता है और संपर्क तोड़ देता है जब तक कि वह बॉडी से बात नहीं करता। गाय को पता चलता है कि उनकी वास्तविकता में कुछ और है क्योंकि बॉडी रेवेंजामी बटनस के गाय को विशिष्ट फुटेज प्राप्त करने में मदद करता है। तो फ्रेंड्स आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको फ्री गाय मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है। अगर आपके पास डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन हो तो आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर लें जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियो में बने रहें। और फ्रेंड्स आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हे फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्री गाय मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स इस मूवी को आईएमडीबी ने 7.1 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया है और इसे 4.6 आउट ऑफ 5 वुडू ने रेटिंग दिया है और इसे 87% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स फ्री गाय ये 2021 की अमेरिकन एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए शॉन लेवी, स्क्रीन प्ले दिए मिट्टी लीबरमैन, जैक पेन और इस मूवी में स्टोरी दी है मैट लेबरमैन, प्रोड्यूस की इस मूवी को रैन रेनलॉर्ड्स, शॉन लेवी, सारा स्केचर, कर्ज बैलनिटी, एडम कॉलब्रेनर और इस मूवी के स्टारिंग है रैन रेनलॉर्ड्स, जोडी कॉमर, लिल रेल हॉवर, उत्कर्ष अम्बुदकर, जोई केरी, टैकी वाटीटी। इस मूवी को सिनेमेटोग्राफी के जॉर्ज रिचमोंड और इस मूवी को एडिट के डियान ज़िमरमैन और इस मूवी में म्यूजिक दिए क्रिस्टोफी बेक। इस मूवी को प्रोडक्शन कंपनी बर्लिनिटी प्रोडक्शंस, 21 लैब्स इंटरटेनमेंट, मैक्सिमम इफर्ट्स, लाइट इंटरटेनमेंट ग्रुप, TSG इंटरटेनमेंट और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए 20th सेंचुरी स्टूडियोज और ये मूवी 10th अगस्त 2021 को लोकार्नो में रिलीज हुई और 13th अगस्त 2021 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज हुई और इस मूवी का रनिंग टाइम रहा 115 मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली भी मूवी है जिसका बजट 100 से $125 मिलियन रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $331.5 मिलियन रहा जो कि काबिले तारीफ है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमें इस मूवी में रैन रेनलॉर्ड्स एस गाय के रोल में नजर आए
ब्लू शर्ट गाय के रोल में, और जोडी कॉमर एज अ मिली के रोल में, और जोई कैरवी एज अ कीज के रोल में, और लिल रेल हॉवर एज अ बर्डी के रोल में, और उत्कर्ष अम्बुदकर एज अ माउसर के रोल में, और टाइका वाटीटी एज अ एंटवेन के रोल में, और चैनिंग टॉटम एज अ रिवेंजमिन बटन्स के रोल में, और मैटी कार्डोपोली एज अ केथ के रोल में। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम जानते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स गाय फ्री सीट में एक गैर खिलाड़ी चरित्र है जो सुनामी स्टूडियो द्वारा विकसित एक व्यापक मल्टीप्लेयर ऑनलाइन रोल प्लेइंग वीडियो गेम है। फ्री सिटी के खिलाड़ी एनपीसी से उनके द्वारा पहने जाने वाले धूप के चश्मे से अलग है और अपना समय बैंकों को लूटने एक दूसरे से लड़ने और तबाही मचाने में बिताते हैं। इस बात से अनजान कि वे जिस दुनिया में रहते हैं वह एक वीडियो गेम है। गाय और अन्य एनपीसी ज़्यादातर खिलाड़ियों द्वारा अपने स्क्रिप्टेड जीवन को जीने के दौरान होने वाली अराजकता से बेखबर हैं। वास्तविक दुनिया में गेम डेवलपर्स मिली रस्क और वाल्टर कीज मैक ने पहले अपने एनपीसी के लिए एक उपन्यास कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक का उपयोग करके लाइव एस्टिलिस इटसेल्फ नामक एक अवधारण गेम बनाया था। अब बेरोजगार मिली अपना समय फ्री सिटीज खेलने में बिताती है और ताकि इस बात के पुख्ती सबूत मिल सके कि सुनामी के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ अंतवान हो चेलिक ने उससे गेम के अधिकार खरीदने के बाद लाइव इट्सेल्फ का सोर्स कोड चुरा लिया। कीज सहानुभूतिपूर्ण है लेकिन अपने गैर प्रकटीकरण समझौते के कारण मदद करने से इनकार कर देती है। गाय अपने सबसे अच्छे दोस्त सुरक्षा गार्ड बॉडी के साथ एक बैंक टेलर के रूप में काम करता है। मोल्टोवे गर्ल के मिली के अवतार के बाद उनकी पसंदीदा गीत फैंटेसी गाकर उनका ध्यान आकर्षित होता है। अब वह अपनी प्रोग्रामिंग से विचलित होना शुरू कर देता है। बॉडी को गलती से एक खोपड़ी नकाबपोश खिलाड़ी को गोली मारकर बैंक को लूटने और अपने धूप के चश्मे के साथ छोड़ने से ही झटका लगता है। अब खेल के खिलाड़ियों के दृष्टिकोण तक पहुंचने में सक्षम गाय ने क्षेत्रों का दौरा करती है और अतः मिली से रेवेंजामी बटनस के स्टैश हाउस में मिलती है जिसमें उसके स्रोत कोड का सबूत होता है। यह सोचकर कि गाय एक नौसिखिया खिलाड़ी है वो उसे स्तर ऊपर करने की सलाह देती है। उनका पहला ब्रेक इन प्रेस विफल होने के बाद गाय तेजी से खेल के माध्यम से आगे बढ़ता है, प्रोफकारी रूप से मिशन पूरा करता है, अन्य खिलाड़ियों से अलग खड़ा होता है और ब्लू शर्ट गाय के रूप में जाना जाने वाला एक विश्वापी सनसनी बन जाता है। की और उनके सहकर्मी मौसर गाय को एक एनपीसी के रूप में प्रसन्न होकर मानते हुए उसे खेल से प्रतिबंधित करने का सफल प्रयास करते हैं। आखिरकार कीज को पता चलता है कि गाय वास्तव में एक एनपीसी है। लाइफ इट्सेल्फ के विकास के दौरान कीज मिली को बाहर करने के लिए कहने में बहुत शर्माती थी और इसके बजाय खेल में आई रूटीन में अपने संवाद के बारे में जो कुछ भी वो जानता था उसे एनकोड किया, जिसके अंतः फ्री सिटी में शामिल किया गया। यह बताता है कि क्यों गाय ने मोल्टोवो गर्ल के प्रति विशिष्ट रूप से आकर्षित महसूस किया। अन्य एनपीसी जिनके साथ गाय इंटरेक्ट करता है वे भी आत्म जागरूकता विकसित करना शुरू कर देते हैं। किस द्वारा सूचित किया गया मिली गाय को अपनी स्थिति की सच्चाई बताता है लेकिन वह निराश हो जाता है और संपर्क तोड़ देता है जब तक कि वह बॉडी से बात नहीं करता। गाय को पता चलता है कि उनकी वास्तविकता में कुछ और है क्योंकि बॉडी रेवेंजामी बटनस के गाय को विशिष्ट फुटेज प्राप्त करने में मदद करता है।
तो फ्रेंड्स आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको फ्री गाई मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है। अगर आपके पास डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन हो तो आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अभी तक हम हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर लें जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े हैं और आप हमारे वीडियो में बने रहें। और फ्रेंड्स आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हे फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्री गाई मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स इस मूवी को आईएमडीबी ने 7.1 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया है, और इसे 4.6 आउट ऑफ 5 वुडू ने रेटिंग दिया है, और इसे 87% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स फ्री गाई ये 2021 की अमेरिकन एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए शॉन लेवी, स्क्रीन प्ले दी है मिटी लीबरमैन, जैक पेन, और इस मूवी में स्टोरी दी है मैट लेबरमैन, प्रोड्यूस की इस मूवी को रैन रेन लॉर्ड्स, शॉन लेवी, सारा स्केचर, गर्ज बैलनेटी, एडम कॉल ब्रेनर, और इस मूवी के स्टारिंग है रैन रेन लॉर्ड्स, जोडी कॉमर, लिल रेल हॉवर, उत्कर्ष अम्बुदकर, जोई केरी, टैकी वाटीटी। इस मूवी को सिनेमेटोग्राफी के जॉर्ज रिचमॉन्ड, और इस मूवी को एडिट के डियान ज़िमरमैन, और इस मूवी में म्यूजिक दिए क्रिस्टोफी बेक। इस मूवी को प्रोडक्शन कंपनी बर्लिनिटी प्रोडक्शंस, 21 लैब्स इंटरटेनमेंट, मैक्सिमम इफर्ट्स, लाइट इंटरटेनमेंट ग्रुप, TSG इंटरटेनमेंट, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए 20th सेंचुरी स्टूडियोज। और ये मूवी 10th अगस्त 2021 को लॉ कैर्नो में रिलीज़ हुई और 13th अगस्त 2021 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज़ हुई। और इस मूवी का रनिंग टाइम रहा 115 मिनट्स, और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली भी मूवी है जिसका बजट 100 से 125 मिलियन डॉलर रहा, और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 331.5 मिलियन डॉलर रहा, जो कि काबिले तारीफ है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमें इस मूवी में रैन रेनॉल्ड्स एज गाय के रोल में नजर आए, ब्लू शर्ट गाय के रोल में, और जोडी कॉमर एज अ मिली के रोल में, और जोई कैरवी एज अ कीज के रोल में, और लिल रेल हॉवर एज अ बॉडी के रोल में, और उत्कर्ष अम्बुदकर एज अ माउसर के रोल में, और टाइका वाटीटी एज अ एंटवैन के रोल में, और चैनिंग टॉटूम एज अ रिवेंजमिन बटन्स के रोल में, और मैटी कार्डोपोली एज अ केथ के रोल में। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम जानते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स गाय फ्री सीट में एक गैर खिलाड़ी चरित्र है जो सुनामी स्टूडियो द्वारा विकसित एक व्यापक मल्टीप्लेयर ऑनलाइन रोल प्लेइंग वीडियो गेम है। फ्री सिटी के खिलाड़ी NPC से उनके द्वारा पहने जाने वाले धूप के चश्मे से अलग है, और अपना समय बैंकों को लूटने एक दूसरे से लड़ने और तबाही मचाने में बिताते हैं। इस बात से अनजान कि वे जिस दुनिया में रहते हैं वह एक वीडियो गेम है। गाय और अन्य NPC ज़्यादातर खिलाड़ियों द्वारा अपने स्क्रिप्टेड जीवन को जीने के दौरान होने वाली अराजकता से बेखबर हैं। वास्तविक दुनिया में गेम डेवलपर्स मिली रस्क और वाल्टर कीज मैक ने पहले अपने NPC के लिए एक उपन्यास कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक का उपयोग करके लाइव स्टील्स इटसेल्फ नामक एक अवधारण गेम बनाया था। अब बेरोजगार मिली अपना समय फ्री सिटीज खेलने में बिताती है, और ताकि इस बात के पुख्ती सबूत मिल सके कि सुनामी के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO अंतवान हो चेलिक ने उससे गेम के अधिकार खरीदने के बाद लाइव इट्सेल्फ का सोर्स कोड चुरा लिया। कीज सहानुभूतिपूर्ण है, लेकिन अपने गैर प्रकटीकरण समझौते के कारण मदद करने से इनकार कर देती है। गाय अपने सबसे अच्छे दोस्त सुरक्षा गार्ड बॉडी के साथ एक बैंक टेलर के रूप में काम करता है। मोल्टोवे गर्ल के मिली के अवतार के बाद उनकी पसंदीदा गीत फैंटेसी गाकर उनका ध्यान आकर्षित होता है। अब वह अपनी प्रोग्रामिंग से विचलित होना शुरू कर देता है। बॉडी को गलती से एक खोपड़ी नकाबपोश खिलाड़ी को गोली मारकर बैंक को लूटने और अपने धूप के चश्मे के साथ
छोड़ने से ही झटका लगता है। अब खेल के खिलाड़ियों के दृष्टिकोण तक पहुंचने में सक्षम गाय ने क्षेत्रों का दौरा करती है और तब मिली से रेवेंजामी बटनस के स्टेस हाउस में मिलती है, जिसमें उसके स्रोत कोड का सबूत होता है। यह सोचकर कि गाय एक नौसिखिया खिलाड़ी है, वो उसे स्तर ऊपर करने की सलाह देती है। उनका पहला ब्रेक इन प्रेस विफल होने के बाद गाय तेजी से खेल के माध्यम से आगे बढ़ता है, प्रोफकारी रूप से मिशन पूरा करता है, अन्य खिलाड़ियों से अलग खड़ा होता है और ब्लू शर्ट गाय के रूप में जाना जाने वाला एक विश्वापी सनसनी बन जाता है। कीज और उनके सहकर्मी मौसर गाय को एक एनपीसी के रूप में प्रसन्न होकर मानते हुए उसे खेल से प्रतिबंधित करने का सफल प्रयास करते हैं। आखिरकार कीज को पता चलता है कि गाय वास्तव में एक एनपीसी है। लाइफ इज इटसेल्फ के विकास के दौरान कीज मिली को बाहर करने के लिए कहने में बहुत शर्माती थी और इसके बजाय खेल में आई रूटीन में अपने संवाद के बारे में जो कुछ भी वो जानता था उसे एनकोड किया, जिसके अतः फ्री सिटी में शामिल किया गया। यह बताता है कि क्यों गाय ने मोल्टोवो गर्ल के प्रति विशिष्ट रूप से आकर्षित महसूस किया। अन्य एनपीसी जिनके साथ गाय इंटरेक्ट करता है वे भी आत्म जागरूकता विकसित करना शुरू कर देते हैं। किस द्वारा सूचित किया गया मिली गाय को अपनी स्थिति की सच्चाई बताता है, लेकिन वह निराश हो जाता है और संपर्क तोड़ देता है जब तक कि वह बॉडी से बात नहीं करता। गाय को पता चलता है कि उनकी वास्तविकता में कुछ और है, क्योंकि बॉडी रेवेंजामी बटनस के गाय को विशिष्ट फुटेज प्राप्त करने में मदद करता है। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको फ्री गाय मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है। अगर आपके पास डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन हो तो आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियो में बने रहें। और फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्री गाय मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को आईएमडीबी ने 7.1 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया है और इसे 4.6 आउट ऑफ 5 वुडू ने रेटिंग दिया है और इसे 87% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, फ्री गाय ये 2021 की अमेरिकन एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए शॉन लेवी, स्क्रीन प्ले दिए मिट्टी लीबरमैन, जैक पेन, और इस मूवी में स्टोरी दी है मैट लेबरमैन, प्रोड्यूस किए इस मूवी को रैन रेनलॉर्ड्स, शॉन लेवी, सारा स्केचर, कर्ज बैलनेटी, एडम कॉल ब्रेनर, और इस मूवी के स्टारिंग है रैन रेनलॉर्ड्स, जोडी कॉमर, लिल रेल हॉवर, उत्कर्ष अम्बुदकर, जोई केरी, टैकी वाटीटी। इस मूवी को सिनेमेटोग्राफी के जॉर्ज रिचमॉन्ड और इस मूवी को एडिट किए डियान ज़िमरमैन और इस मूवी में म्यूजिक दिए क्रिस्टोफी बेक। इस मूवी को प्रोडक्शन कंपनी है बर्लिनेटी प्रोडक्शंस, 21 लैब्स एंटरटेनमेंट, मैक्सिमम एफर्ट्स, लाइट एंटरटेनमेंट ग्रुप, TSG एंटरटेनमेंट, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए 20th सेंचुरी स्टूडियोज। और ये मूवी 10 अगस्त 2021 को लोकार्नो में रिलीज हुई और 13 अगस्त 2021 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज हुई। और इस मूवी का रनिंग टाइम रहा 115 मिनट्स, और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली भी मूवी है, जिसका बजट 100 से 125 मिलियन डॉलर रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 331.5 मिलियन डॉलर रहा, जो कि काबिले तारीफ है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इस मूवी में रैन रेनलॉर्ड्स एज गाय के रोल में नजर आए, ब्लू शर्ट गाय के रोल में, और जोडी कॉमर एज अ मिली के रोल में, और जोई कैरवी एज अ कीज के रोल में, और लिल रेल हॉवर एज अ बॉडी के रोल में, और उत्कर्ष अम्बुदकर एज अ माउसर के रोल में, और टाइका वाटीटी एज अ एंटवेन के रोल में, और चैनिंग टॉटूम एज अ रिवेंजमिन बटन्स के रोल में, और मैटी कार्डोपोली एज अ केथ के रोल में। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स, गाय फ्री
सीट में एक गैर खिलाड़ी चरित्र है जो सुनामी स्टूडियो द्वारा विकसित एक व्यापक मल्टीप्लेयर ऑनलाइन रोल प्लेइंग वीडियो गेम है। फ्री सिटी के खिलाड़ी एनपीसी से उनके द्वारा पहने जाने वाले धूप के चश्मे से अलग है और अपना समय बैंकों को लूटने एक दूसरे से लड़ने और तबाही मचाने में बिताते हैं, इस बात से अनजान कि वे जिस दुनिया में रहते हैं वह एक वीडियो गेम है। गाय और अन्य एनपीसी ज़्यादातर खिलाड़ियों द्वारा अपने स्क्रिप्टेड जीवन को जीने के दौरान होने वाली अराजकता से बेखबर हैं। वास्तविक दुनिया में गेम डेवलपर्स मिली रस्क और वाल्टर कीज मैक ने पहले अपने एनपीसी के लिए एक उपन्यास कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक का उपयोग करके लाइव एसटीएलएस इटसेल्फ नामक एक अवधारण गेम बनाया था। अब बेरोजगार मिली अपना समय फ्री सिटीज खेलने में बिताती है और ताकि इस बात के पुख्ती सबूत मिल सके कि सुनामी के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ अंतवान हो चेलिक ने उससे गेम के अधिकार खरीदने के बाद लाइव इट्सेल्फ का सोर्स कोड चुरा लिया। कीज सहानुभूतिपूर्ण है लेकिन अपने गैर प्रकटीकरण समझौते के कारण मदद करने से इनकार कर देती है। गाय अपने सबसे अच्छे दोस्त सुरक्षा गार्ड बॉडी के साथ एक बैंक टेलर के रूप में काम करता है। मोल्टोवे गर्ल के मिली के अवतार के बाद उनकी पसंदीदा गीत फैंटेसी गाकर उनका ध्यान आकर्षित होता है। अब वह अपनी प्रोग्रामिंग से विचलित होना शुरू कर देता है। बॉडी को गलती से एक खोपड़ी नकापोश खिलाड़ी को गोली मारकर बैंक को लूटने और अपने धूप के चश्मे के साथ छोड़ने से ही झटका लगता है। अब खेल के खिलाड़ियों के दृष्टिकोण तक पहुंचने में सक्षम गाय ने क्षेत्रों का दौरा करती है और तब मिली से रेवेंजामी बटनस के स्टैस हाउस में मिलती है जिसमें उसके स्रोत कोड का सबूत होता है। यह सोचकर कि गाय एक नौसिखिया खिलाड़ी है वो उसे स्तर ऊपर करने की सलाह देती है। उनका पहला ब्रेक इन प्रेस विफल होने के बाद गाय तेजी से खेल के माध्यम से आगे बढ़ता है, प्रोफकारी रूप से मिशन पूरा करता है, अन्य खिलाड़ियों से अलग खड़ा होता है और ब्लू शर्ट गाय के रूप में जाना जाने वाला एक विश्वापी सनसनी बन जाता है। कीज और उनके सहकर्मी मौसर गाय को एक एनपीसी के रूप में प्रसन्न होकर मानते हुए उसे खेल से प्रतिबंधित करने का सफल प्रयास करते हैं। आखिरकार कीज को पता चलता है कि गाय वास्तव में एक एनपीसी है। लाइफ इज इटसेल्फ के विकास के दौरान कीज मिली को बाहर करने के लिए कहने में बहुत शर्माती थी और इसके बजाय खेल में आई रूटीन में अपने संवाद के बारे में जो कुछ भी वो जानता था उसे एनकोड किया, जिसके अतः फ्री सिटी में शामिल किया गया। यह बताता है कि क्यों गाय ने मोल्टोवो गर्ल के प्रति विशिष्ट रूप से आकर्षित महसूस किया। अन एनपीसी जिनके साथ गाय इंटरेक्ट करता है वे भी आत्म जागरूकता विकसित करना शुरू कर देते हैं। किस द्वारा सूचित किया गया मिली गाय को अपनी स्थिति की सच्चाई बताता है लेकिन वह निराश हो जाता है और संपर्क तोड़ देता है जब तक कि वह बॉडी से बात नहीं करता। गाय को पता चलता है कि उनकी वास्तविकता में कुछ और है क्योंकि बॉडी रेवेंजामी बटनस के गाय को विशिष्ट फुटेज प्राप्त करने में मदद करता है। तो फ्रेंड्स आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको फ्री गाय मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है। अगर आपके पास डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन हो तो आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर लें जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े और आप हमारे वीडियो में बने रहें। और फ्रेंड्स आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें।